हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर स्ट्रीम एंड दिस इज योर फ्रेंड हरिओम मिश्रा। वापस से स्वागत करते हैं आपका एक और स्ट्रीम में। बट यहाँ हम बात करें तो आज का मैच जो है थोड़ा ज़्यादा ही कुछ कॉम्पिटेटिव जैसे मतलब तगड़ा होने वाला है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी टक्कर कंपटीशन मिलेगी सारी टीमों को। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स आ चुके हैं। टोटल 51 प्लेयर्स हैं इस लॉबी में एंड 51 प्लेयर्स के सभी प्लेयर्स मतलब बिल्कुल पारूद बोले तो। बट देखते हैं कैसा खेलते हैं सारे लोग एंड लेट्स सी। और तो कुछ हम कह नहीं सकते, हम बस एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो कैसा खेलेंगे। बहुत अच्छी अच्छी टीम है। कल की जो चिकन डिनर वाली टीम थी 4FC की टीम, वो भी यहाँ पर आ चुकी है। TMP की मतलब, और यहाँ पर T4 रकून की टीम्स हैं, सब कंबाइंड बिल्कुल आए हैं। एंड लेट्स सी कैसा होता है इनका प्रदर्शन। आशा करेंगे कि बेहतरीन प्रदर्शन हो बिल्कुल। एनीवे लेट्स वेट। सो बात करें यहाँ पर ट्रेजिक्ट्री की, तो ट्रेजिक्ट्री कुछ इस प्रकार है। ट्रेजिक्ट्री है यहाँ पर मिलिट्री बेस से होते हुए जा रहा है बिल्कुल यहाँ पर कामिश्की के जो थोड़ी नीचे वाला हल्का सा बीच टाइप एरिया है वहाँ पर एंड हो रहा है सर्कल। एंड यहाँ पर बात करें हॉट ड्रॉप्स की, तो हॉट ड्रॉप्स ऑलमोस्ट कवर हो रहे हैं मिलिट्री बेस एंड पोचिंग की। सो फ्लाइंग पाथ तो उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा, बट देखते हैं किस प्रकार प्लेयर्स इसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं। हम आशा करेंगे कि जो हमारे एक से बढ़ के एक प्लेयर्स है वो और बेहतरीन हो जाएगा। लेट्स सी कैसा होता है ये मैच। एंड हम आशा करेंगे हमारे व्यूअर्स भी हमें फुल सपोर्ट दिखाएं। कमेंट सेक्शन में बिल्कुल चाप के रख दे यार वो लाइक का बटन, और हम क्या बताएं, कांट से एनीथिंग एल्स। लेट्स वेट। ओके, बात करें यहाँ पर सारी टीमों ने अपना ड्रॉप लेना स्टार्ट कर दिया है ऑलमोस्ट। एंड सभी को एक बार दिखा दे, तो यहाँ पर है रकून, पीयूष, हरजस, ओमिर, और यहाँ पर रेड्स कला में दिख रहे हैं। मीनवाइल टीम सिक्स में यहाँ पर है मुझे डेविल प्लेज और लेज़र भी है, जीयूस, ओपी, जैक है यहाँ पर, इनपी बीस्ट, और यहाँ पर मैक्स भी हमें दिख रहे हैं। मीनवाइल ऑन ओम्पा है, हेड्स है यहाँ पर, रफीद, YT अननोन मैनेजर एंड टीम 12 में है LMS की टीम। नाम देखकर ही मज़ा आ रहा है। हरिओम ओपी सोरिफ बोचा, अरे थैंक यू भाई साहब। फ्लैश यहाँ पर मैड्रिक्स स्लैश ओपी अभी यहाँ पर है, रेक्स रोनाल्डो एंड रेक्स के चंदन भी हैं। टीम 14 में बात करें तो काल है, हेली साइकन है, गेमर, और यहाँ पर है क्रिम्स, एमसेंट के मजिस्टी, STU के फ्लॉप, रवि, निंजा, R2B के टाइलर, YT टीम 15 में। टीम 16 में है यहाँ पर जायरो की टीम, एंड जायरो की टीम की तो क्या ही कहना, ब्लेडर ओपी, डेक्स्ट्रोन ओपी, फ्लैंग गॉड एंड स्टार्क भी है यहाँ पर। स्टार्क के नाम याद दिला कर बिग फैन सर, अरे शाउट आउट टू सॉरी बोचा भाई। टीम 18 है सिर्फ 2 पीपल्स और ये खेले 2v4 आई थिंक। तो यहाँ पर देखते हैं जनार्दन ओपी और तन में क्या करते हैं। अच्छा, बात करें एक्शन की, तो यहाँ पर बहुत टीमें मिलिट्री में जाने की कोशिश करें। यहाँ पर ये उठा लिया है बाइक, बट टीम 21 ऑलरेडी जो वेट करेगी उनका मिलिट्री वेस में। एंड लेट्स सी किस प्रकार का प्रदर्शन रहता है इनका। आशा करेंगे और भी बेहतरीन प्रदर्शन इसी प्रकार रहे, बट लेट्स सी क्या होता है। एनीवे गाइस, वी आर बैक, बट आई एम सो सॉरी फॉर दैट थिंग। ओके, यहाँ पर हमें देख रहे हैं रेड की टीम, और बात करें सारी टीम्स की ड्रॉप्स की, तो यहाँ टीम 21 है मिलिट्री बेस में। बात करें टीम 8 की, तो टीम 8 यहाँ पर प्रिज्मोस अभी तक होल्ड करे हुए, तब अभी अभी जस्ट उतरी है, तो देखते हैं कब तक लूट करेंगे। पोचिंकी में एक्शन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर मुझे दिख रही है 2v4 की टीम जनार्दन एंड टीम 13, एंड टीम 13 के जो एक पीपल है यहाँ पर अभी वो थोड़े स्प्लिटेड लग रहे अपनी टीम से। मे भी कोई प्रकार की स्ट्रेटेजी होगी, उन्हें आइडिया तो हो ही गया होगा कि यहाँ पर कोई और टीम भी है, पर लेट्स सी क्या होता है। सरी बच्चा भाई बहुत बहुत धन्यवाद, और राजीव भाई थैंक यू भाई फॉर दैट थिंग। और यहाँ पर अभी के ऊपर आए हैं कुछ शॉट्स, एंड तन्मय को भी कुछ शॉट्स पड़े हैं, तो यहाँ पर शॉट्स एक्सचेंज हो रहे खैर तो। और टीम 13 दूसरी तरफ से देखते हैं क्या कर पाती, 3v2 की फाइट है, तो
हमें आशा है कि यहाँ पर कोई एक टीम अच्छे तरीके से फाइट निकाले, एंड अगर 2v3 देखने को मिलता है तो वो और ज़्यादा मज़ा आएगा। वी वॉन्ट टू सी सुपर हेम एंड हंटर, आई डोंट नो इन विच टीम दे आर। ओके, हेयर है सुपर हेम, और सुपर हेम जो कि रकून है, यहाँ पर रकून देखते हैं किस प्रकार का प्रदर्शन दिखाते हैं। आशा करते हैं कि बिल्कुल बूम बाम कर दिए, यहाँ पर लूट करते हुए अच्छे से रकून और टीम 18-13। क्या कहने, जोर्जो पुल में बात करें तो यहाँ पर INF की टीम है, और मतलब INFY की बीस्ट है, और मैक्स और ट्रैक्स जैक भी हमें दिख रहे हैं, इनकी भी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। यस नाया में चले तो यस नाया में है टीम 15 R2V, यहाँ पर S2U के फ्लॉप रवि निंजा और टाइलर निंजा, नाम में ही खूबी है, तो फिर ये प्लेयर कैसा खेलेगा पता नहीं। यहाँ पर स्लैश ओपी है, और सिवर ने एक बहुत ज़्यादा डिसेंट पाथ यहाँ पर, मतलब आसपास कोई टीम भटक नहीं है, और सबसे बड़ी बात जोन इनके ऊपर बना है, तो दे विल बी बिट लकिया। और यहाँ टीम 3 की बात करें जो कि हमारी सुपर एम की टीम है, तो ये है बिल्कुल स्कूल अपार्टमेंट्स में, एंड दादू स्ट्रीम 70 सेकेंड्स डीले होने के कारण। ओके, मीनवाइल तन्मय ने यहाँ पर रेक्स चंदन का नॉक निकाला है, टीम 13 इज गोना सफर देयर, लेट्स गो देयर गाइस। एंड चंदन यहाँ पर थोड़े खतरे में, अपनी टीम के लिए मुश्किलें बढ़ाते हैं, और बहुत ही खराब स्पॉट पर फंस चुके हैं, एंड इंस्टेंट रश देखने को मिलेगा यहाँ हमें टीम 8 द्वारा, और ये किल अपना कंफर्म भी करना चाहेगी टीम 8। लेट्स सी कैसा करते हैं वो, और ट्रिपल स्टोरी जाकर होल्ड करा है, जो कि एक प्रिटी वाइज डिसीजन है। वहाँ पर जो स्मोक स्क्रीन तैयार हो रही है, स्मोक वॉल तैयार हो रही है रोनाल्डो द्वारा, एंड अभी काफ़ी ज़्यादा दूर अपनी टीम से, सो इट कुड बी अ फॉल बैक फॉर टीम 13। बट यहाँ पर टीम 18 बिल्कुल खतरनाक खेल रही है, जितनी तारीफ करे उतनी कम है। लेट्स सी क्या करते हैं, नेड्स गए हैं बट नेड्स कनेक्ट नहीं होंगे, और रोनाल्डो काफ़ी ज़्यादा ऑफ पोजीशन पे है, ऑफ गार्ड है, मतलब बिल्कुल पकड़े जा सकते हैं यहाँ पर, एक ट्री का ही जस्ट कवर है, और यहाँ से अगर उन्होंने कुछ भी गलती किया तो जनार्दन भाई साहब उन्हें नहीं छोड़ेंगे, एंड तन्मय एक अलग एंगल से उन्हें शायद स्पॉट कर सकते, पीछे तो गए हैं रोनाल्डो, एंड रोनाल्डो बच गए वहां पर, बट रोनाल्डो हैज बीन पिक्ड ऑफ, बहुत अच्छा अभी का कवर फायर है, जनार्दन को भी नॉकआउट कर दिया, 1v1 की फाइट छोड़ी है यहाँ पर, अभी थोड़े ज्यादा हेल्थ पे तन्मय, बिल्कुल 70% हेल्थ पे, क्या अपनी टीम मेट्स को बचा पाएंगे अभी, तन्मय वहां पर जाएंगे, एंड दो नॉकआउट पीपल्स एक साथ यहाँ पर ऑलमोस्ट अभी पहुंच चुके हैं, चंदन को यहाँ पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी बचाने की, बट पीछे से कूदे तन्मय, एंड तन्मय हैज बीन फिनिश्ड ऑफ By this beautiful player, अभी ने क्या ही शानदार प्रदर्शन किया है, साहब बन के खेलेगा प्रो प्लेयर सुपर हेम प्लीज सर। बहुत ही खतरनाक खेला अभी ने, यहाँ पर इसे कहते हैं फाइट, वो जंप क्या कूप था, बट एग्जीक्यूशन में थोड़े लेट कर दिया। और बात करें टीम 19 की, टीम 19 बिल्कुल एक तरीके की बोलते हैं स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, और अलग अलग एंगल्स पे ये देखिए लूट रहे कंपाउंड, सो दैट गोना बी बेटर। टीम 7 के ऊपर में भी मुझे देखने में लग रहा है यहाँ पर पुश हो जाएगा। टीम 16 की बात करें तो फार्म, ये लोकेशन बहुत कम लोग चूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अपना लोकेशन चूज करेगा, ड्रॉप लोकेशन उन्हें गट्स चाहिए होते हैं लूट के लिए, क्योंकि आप जानते हैं फार्म में कैसी लूट्स मिलती है। बट एनीवे, मुझे नहीं लग रहा है चार बंदों की प्रॉपर लूट यहाँ मिलेगी, बट उतरे हैं तो उनके अंदर कुछ मतलब माइंड में चल ही रहा होगा, बट व्हीकल मिल जाता है नॉट ऑलवेज। और काल ने मीनवाइल यहां पर डेविल प्लेस का बहुत ही प्यारे तरीके से नॉक निकाला है, और डेविल प्लेस को इंस्टेंट फिनिश भी किया, सो नाइस गेम प्ले बाय यहां पर काल। ओके, टीम 16 यहां पर किसी का किल लेती हुई, आई एम नॉट श्योर, बट टीम 14 भी यहाँ पर मिल्टा से निकलती हुई और दूसरा पोजीशन लेना चाहेगी जोन के अंदर, बिल्कुल स्प्रेस ट्रांसफर हो रहे हैं। ओके, किसी के ऊपर स्प्रेस ट्रांसफर नहीं हो रही, ये फ्री में स्प्रेस जा रहे हैं। और बात करें बाकी टीमों की तो टीम 19 एक जगह इकट्ठा हो रही है फाइनली, प्रिज्मोस्क पे टीम 8 अभी तक है, और इन्हें लग रहा है मुझे व्हीकल ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अननोन मैनेजर यहाँ पर दिख रहे हैं, हेड्स दिख रहे हैं, एंड रफीद वाइटी दिख रहे हैं, और विलियन अंपा दिख रहे हैं, लेट्स सी क्या करेंगे ये लोग। बात करें यहाँ पर 4FC की टीम की तो घातक इज बैक मैन, योद्धा इज बैक, बट महान योद्धा भी है और यहाँ पर अभी भी आ गए हैं, सो लेट्स सी कैसा प्रदर्शन रहता है आज के मैच में। आशा करेंगे फिर से वही रश गेम प्ले देखने को मिले, 47 पीपल्स आर लाइफ, 4 पीपल्स आर डेड, बट लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन ऑन नेक्स्ट। एंड टीम 15 की बात करें, टीम 15 इज टेकिंग अ प्रीटी गुड स्पॉट, दे आर इनसाइड द जोन एज वेल, बट दे आर नॉट इन द सेंटर ऑफ द जोन। टीम 3 इज होल्डिंग अ रियली एब्सोल्यूटली गुड प्लेस, रकून हैज वेंट फॉर टेकिंग दैट व्हीकल देयर, एंड देखते कैसा खेलते हैं रकून।
आखिरी मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन था इस टीम का, बट लास्ट में थोड़ी बहुत गलतियां हुई वहां पर। रकून काफी ज्यादा ओपन में थे और ओमेर यहां पर पीयूष सभी के सभी हमें दिख रहे हैं, चारों के चारों बिल्कुल बॉम्बार्ड प्लेयर है। बट लेट्स सी आज का कैसा प्रदर्शन रहता है इनका। बाकी टीमों की तरफ स्विच करें, टीम 16 यहाँ पर जायरो की टीम अभी दिख रही है। जायरो की टीम थोड़ी रुकी हुई है, लूट एक्सचेंज करी आई थिंक सो। और टीम 21 यहाँ पर क्लोज इन करते हुए फाइनली स्कूल अपार्टमेंट्स की तरफ, एंड दिस इज गोना बी फन, दिस इज गोना बी इंटरेस्टिंग दैट हाउ टीम 3 इज गोना फाइट अगेंस्ट टीम 21। बहुत ही बगल से निकल रही है टीम 3, टीम 3 काफी आगे निकल चुकी है। आई थिंक उन्होंने अपनी जो है जगह चेंज कर ली, बट जोन यहाँ पर अभी भी डिसाइडेबल नहीं है कि किस तरफ शिफ्ट होगा। इफ जोन शिफ्टिंग मतलब लाइक साउथ साइड में अगर शिफ्ट होता है जोन, तो काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ा सकता है टीमों के लिए। लेट्स सी क्या होता है, ये भी देखने वाली बात है। बाय द वे सो जितने लोग भी वॉच देख रहे हो, फटाफट यार लाइक कर दो स्ट्रीम को एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू हैवंट येट। बाय द वे हमारा ड्रॉप आ चुका है, फ्लेयर ड्रॉप यहाँ पर मंगाया टीम 21 ने, तो ऑम विथ M249 दैट्स गोना बी प्रीटी गुड लूट। एंड चले दूसरी ड्रॉप की तरफ, तो ये हमारा ऑम है और ये हमारा पब्लिक ड्रॉप है, तो पब्लिक ड्रॉप में आशा करते हैं अच्छा लूट हो। ओके ऑम है तो अच्छा लूट ही है। एंड यहाँ पर काफी ज्यादा जो है मुझे जैम अप दिख रहा है टीम 22 का, और टीम 7 का ऑलमोस्ट पास से क्रॉस कर चुके हैं। टीम 19 के वहां पर मुझे दिख रहे हैं वन ऑफ द प्लेयर नोवा, नोवा काफी ज्यादा क्लोज है एंड हियर आई थिंक इज प्रोन अवे, बट यहां पर स्प्रे गया मैक्स के ऊपर एंड ये स्प्रे कनेक्ट नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, एंड पोजीशन भी रिवील हो चुकी है अपनी टीम से दूर, एंड फटाफट वहां से निकलना चाहेंगे नोवा, बट स्प्रेज आ रहे डीपी के एंड थोड़े बहुत कनेक्ट भी हो गए या नहीं जी, व्हीकल में कनेक्ट हुई है एज यू कैन लिसन द साउंड। यहां पर अच्छा खेलते हुए बिल्कुल अच्छा नोवा का प्रदर्शन, बिल्कुल शॉट्स लिया जब जानते थे पोजीशन रिवील हो गई, फटाफट अपनी पोजीशन चेंज कर दी। और टीम 13 की बात करें तो रोनाल्डो, रोनाल्डो यहाँ पर चंदन तो खत्म हो गए पचिंकी में, बट दिस टू प्लेयर्स आर रियली ओपी। रोनाल्डो अभी ने क्या सेव करा वहां पर, पहले तो जनार्दन को ले लिया, उसके बाद फिर रोनाल्डो को भी बचाया वहां पर फाइट करके दूसरे प्लेयर से। एक और ड्रॉप हमारा आता हुआ एंड दिस इज अ पब्लिक ड्रॉप टू, एंड इस पब्लिक ड्रॉप में चेक करें, ओ माय गॉड देयर इट्स MK द बीस्ट द गॉड गन, घातक यहाँ पर होल्ड करे हुए हैं, घातक देखते हैं क्या कर पाएंगे आगे, आशा करते हैं एक्शंस देखने को नहीं मिले। मीनवाइल टीम 15 बहुत ज्यादा क्लोज यहाँ पर टीम 14, और यहाँ पर बहुत ही प्यारा नॉक निकाला है काल का टाइलर जी ने, टाइलर इज प्लेइंग ग्रेट गेम, बहुत ही प्यारा M4+4X का स्प्रे। लेट्स सी टीम 14 के जो पीपल है उनको बचाने आते कि नहीं, काफी ज्यादा क्लोज तो है बट इसी के साथ ब्लीड आउट हो गए काल, सो काफी बुरा लगा काल के लिए। एंड टीम 15 के जो मतलब पूरे स्क्वाड है पूरी अभी तक स्प्लिटेड है काफी, क्योंकि यहाँ पर टू प्लेयर्स आप देख सकते हैं यसनाया पुलियाना में, एंड मीनवाइल थोड़े से आगे ब्रिज के साइड में टीम 15 का टाइलर वाइट एंड निंजा बिल्कुल बीच में टीम 14 के एक और गेमर पे, जी हाँ गेमर पे यहाँ स्प्रे ट्रांसफर हुए, बट किसी प्रकार गेमर वहां से बच के निकल गए। एनीवे लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन एट द नेक्स्ट मोमेंट। टीम 21 अभी तक आराम से लूट कर रही है एंड टीम 13 यहाँ पर फाइट कर रही है, अभी ने यहाँ पर ओमेर का नॉक ले लिया, Rex Abhi has been finished off by Zeus OP. Oh my god, that is insane, that is totally OP. Kal bhi in teamo ki fight hui thi and yahan par dekhte hain ghatak bilkul rush pe ghus chuke hain, is squad uske chhat par ja rahe hain, open mein aa chuke hain Piyush movement chhod and bahut hi pyara knockout ghatak ka, but Piyush is lit and Abhi is the last man standing. Abhi yahan par revive de rahe hain, देखते हैं वहां पर क्या कर पाते। पीयूष ने फाइनली मालयुद्धा को फिनिश कर दिया, क्या वहां पर वो घातक को भी फिनिश कर पाएंगे, पर उसके पहले उन्हें हील अप करना पड़ेगा, रिवाइव दे दिया अभी यहाँ पर जो रिवाइव दे रहे हैं, यहाँ रश करेंगे घातक को, आई डोंट नो रिवाइव देंगे या नहीं, जी छत पे जा रहे डायरेक्टली, हील अप भी नहीं करा है वहां पर, नीचे घातक रिवाइव पड़े हैं, सबसे बड़ी बात फिनिश ऑफ करा है अब वहां पर योद्धा भी दिख रहे हैं मुझे। आई थिंक पीयूष इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फ्रॉम हिज टीम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ओम भी नीचे नॉकआउट पड़े हुए हैं, तीनों के तीनों प्लेयर्स यहाँ नॉकआउट पड़े, यार इंस्टेंट रश देखने का मिल रहा है, क्या कर पाएंगे पीयूष 1v3, उन्हें बहुत ही प्यारा टाइम मिला है, अभी भी जाकर वो रिवाइव दे सकते हैं, यार रश इन कर सकते हैं, बट यहाँ पर गलती करे पीयूष के ऊपर होने वाला है रश, जी बिल्कुल होने वाला है रश, विदाउट एनी फर्दर डिले आ गए हैं यहाँ पर योद्धा का स्प्रे, बहुत ही प्यारा नॉक निकाला पीयूष ने, पीयूष हैज बीन फिनिश्ड ऑफ। Meanwhile, oh my God, Pius has played really a decent game. काफी से प्यारे नॉक्स निकाले थे वहां पर, बट गलती हो गई टीम 22 से नहीं, टीम 2 से, जी हाँ TMP की टीम मतलब सॉरी आई एम सो सॉरी, यहाँ पर ये जो जोड़ी थी रकून की पीयूष की बहुत बुरी तरह पिट गई।
काफी बुरा लगा और यहां पर घातक वॉज नॉक्ड आउट इन द ओपन. ओ माई गॉड दिस इज रियली ग्रेट गेम टू सी. बाय द वे यहाँ सर्वाइव करती हुआ वापस पूरे एफसी की टीम. रियली यार मजा आ गया इस चीज को देखकर. टीम 15 अब यहाँ पर पुशन करी, वो जानते हैं यहाँ पर कुछ नॉक्स मिले हैं एंड मौके का फायदा उठाना चाह रही टीम 15. थ्री प्लेयर्स आर हियर, वन मोर हियर टू गो एंड इज कमिंग देयर निंजा. फाइनली पूरी टीम जो है हिल अप हो चुकी है, बट फिर भी अभी तक रेड हेल्थ हमें दिख रही है बिल्कुल. एंड यहाँ पर लीड करते हुए फ्लॉप एसयू के एक नेड गया एंड घातक हेल्थ नॉक्ड आउट अगेन. यहाँ रश इन करते हुए बिल्कुल नीचे Flop was knocked out by him, but meanwhile यहाँ पर बहुत लंगड़ी हो चुकी है ये टीम. आखिरी प्लेयर अलाइव है यहाँ पर टीम 22 के एंड वो है अभी अभी, देखते हैं क्या कर पाएंगे अभी के अभी. बट यहाँ पर पूरी टीम रश करी इंस्टेंट एंड रवि टीपीपी लेते हुए एंड फाइनली डॉक्टर अभी हैज बीन फिनिश्ड ऑफ. OMG, दिस इज हाउ यू प्ले, दिस इज हाउ यू प्ले T1 कस्टम्स. फ्लॉप वॉज फ्लॉप एट दैट मोमेंट, बट His team was hit at that moment, at the same very moment. Oh my god, मजा आ गया इस चीज को देखकर. टीम 25 की तरफ चले तो टीम 25 के क्राइम बॉय OMG, मतलब यहाँ पर नूब दिख रहे, योद्धा दिख रहे हैं और ये भी अभी तक जीरो किल्स, मतलब खाता नहीं खोल पाए हैं. बट पोर एफसी की टीम अर्ली एग्जिट लेती है, काफी बुरा लगा उनके लिए. सॉरी बच्चा, द गॉड गन इज UMP45. यस ब्रो, बिल्कुल कोई शक. बात करें यहाँ पर मेड्रैक्स की, तो मेड्रैक्स यहाँ पर थोड़ी बहुत लूट लेंगे और हमारा एक और ड्रॉप आता हुआ. सो इस ड्रॉप में हम चेक करना पसंद करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक और MK. अगर ये लूट टीम 8 को मिलती है तो दैट्स गोना बी प्रीटी इंटरेस्टिंग फॉर देम. बट लेट्स सी क्या टीम 8 इस ड्रॉप का फायदा उठा पाती है. और सामने टीम 12 के कुछ मतलब यहाँ पर प्लेयर्स वेट कर रहे हैं और बहुत ही पास जा रहे हैं. ओब्लिवियन अंपा, देखते हैं क्या यहाँ पर फंस जाएंगे इस जाल में, क्योंकि टीम 12 के एक पीपल पीछे थे एंड यहाँ पर गाड़ी के जो टायर है बर्स्ट आउट कर दिए गए हैं. बट लेट्स सी ओम्पा किस प्रकार बच के निकलते हैं, आई डोंट नो. बट यहाँ पर OMG, देखिए जस्ट कार की हेल्थ देखिए आप. यहाँ पर योद्धा कुछ नॉक निकाल रहे हैं लेजर की. ज्यूस ओपी वाज बीन नॉक्ड आउट. ओ माय गॉड, ज्यूस यहाँ पर फिनिश हो चुके, लेजर भी फिनिश हो चुके. तो 4AB के टीम कुछ ज्यादा ही प्यारा खेलती हुई चलना चाहेंगे टीम 25 की ओर. अभी भी स्पॉट करने की कोशिश जारी है, बट यहाँ पर पूरी टीम को तो खा गए भाई साहब आप लोग. और यहाँ पर हमें स्पॉट होते हुए दिख रहे टीम 21 के YouTube मिस्टर सिंह. सो लेट्स सी क्या करते हैं ये भी अपनी पोजीशन होल्ड करने जा रहे हैं शूटिंग रेंज में. टीम 6 इनके पीछे और उनके पीछे हैं यहाँ पर टीम 25. यहाँ पर स्नेक बने हुए, ओके इनकी पूरी टीम तो फिनिश ऑफ कर दी है टीम 25 ने. सो ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, बट लेट्स सी क्या होता है आगे. क्राइम बॉय स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं उस टीम के आखिरी मेंबर को, बट ही कांट फाइंड एनी ऑफ देम. बट बिकॉज टीम 6 के जो आखिरी पीपल थे कल काफ़ी ज़्यादा दूर निकल चुके हैं एंड वहाँ पर वो स्नेक बने हुए हैं बिल्कुल. टीम 16 होल्ड कर रहा हुआ एक तरीके से. यहाँ पर ज़ायरो स्टार्क हील अप करते हुए, अच्छी फाइट्स तो अभी तक नहीं दिखा पाए बट आगे आशा करते दिखा पाएंगे ये. बाकी टीमों की तरफ चले तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा जो है एक टाइप का, ओ माई गॉड रोनाल्डो ने एक नॉक निकाला. रेक्स रोनाल्डो इज प्लेइंग ग्रेट गेम. चलते हैं रेक्स रोनाल्डो की तरफ. तो वेयर इज ही, अभी तो वहां पर फिनिश ऑफ हो चुके. जोन के बाहर ये फाइट हो रही है एंड टीम 19 को बिल्कुल चने चबवा दिए नाको तले. सो लेट्स सी टीम 19 किस तरीके से यहाँ पर फाइट बैक करती है. कातिल भी वहां पर नॉकआउट पड़े एंड कातिल के लिए कोई भी जो मतलब बोलते तरीके का सहारा नहीं है. तो इट्स गोना बी गुड फॉर रोनाल्डो, बट रोनाल्डो कैसे जोन में निकलेंगे वो उनका सोचने का तरीका हम देखना चाहेंगे बिल्कुल यहाँ पर, क्योंकि जोन के ज़्यादा बाहर जी नहीं, ज़्यादा नहीं, काफ़ी ज़्यादा बाहर है एक्चुअली. तो यहाँ पर देखते हैं क्या कर पाएंगे. मीनवाइल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लस्टर हो रहा है इतनी सारी टीमें इतने छोटे सर्कल में. एंड बात करें टीम 8 की तो टीम 8 एक अच्छा प्यारा स्पॉट होल्ड कर रखा है, ये तो हमें पता चल जाएगा थोड़ी देर में. ओके ये बहुत प्यारी रिज यहाँ पर होल्ड करी है. ये रिज हमने कई सारे बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में देखा था किस तरीके से होल्ड करा था. आई थिंक बेटर ऑन रेड एलियंस ने, If I'm not wrong, but let's see कैसा खेलते हैं ये लोग. Unknown manager ने ये बहुत ही प्यारा position hold करता है and बस zone इनके ऊपर बने, फिर तो मजे ही मजे. And skull यहाँ पर last man standing from his team, निकलते हुए team 12 के पास से. और team 12 के potential के बारे में हम जानते हैं, बहुत ही प्यारा spray यहाँ पर. बगी के टायर burst हुए तो ये भी OMG burst हो चुके हैं. एक टायर और बचा है एंड यहाँ पर जाकर ये रुक जाए तो बेटर है जी. बहुत ही प्यारा पोजिशन, बट क्या कर सकते हैं. और
बात करें टीम 21 यहाँ बहुत ज्यादा रोटेशन मार के आ रहे हैं। रेड पीबी टीम 6 के वहां पर स्कल बिल्कुल इंतजार में रहेंगे उनके। पीबी आके यहाँ पर रुके, बगी स्पॉटेड हो गई है, अब यहाँ पर नहीं रुकना चाहेंगे, थोड़े ऊपर जाएंगे ये। जी हाँ, ये हाइट होल्ड कर सकते हैं, बट हे वॉन्ट टू मेक श्योर और पीपल्स तो नहीं है उनके टीम के। बट लेट्स सी, टीम 14 यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लोज है टीम 21 के। वाईटी किलर बीन को भाई साहब OMG इतना ज्यादा डैमेज पड़ा है, देखते किस प्रकार बचेंगे। ऑलमोस्ट बगी बर्स आउट होने वाले, एंड ही हैज बीन नॉक्ड आउट बाय मैजिस्टी। मैजिस्टी इज प्लेइंग लाइक अ मैजिस्टी, ओ माय गॉड, ही इज शोइंग हिज मैजिक हाउ टू स्प्रे, ही इज गिविंग 31 टिप्स हाउ टू स्प्रे लाइक अ बीस्ट। ओके, मैजिस्टी ने बहुत प्यारा स्प्रे दिया और वहां पर नॉक निकाला है। बट पीछे से बैक पर आता हुआ टीम 16 का बहुत प्यारा AKM का स्प्रे, एंड ही इज लिटरली 0.1% ऑलमोस्ट वहां पर नॉकआउट। ओके, इज 1%, इज नॉट 0.1%, बच गए यहाँ पर फ्लैंक गॉड, बट फ्लैंक के ऊपर हो चुका है फ्लैंक, एंड लेट्स सी व्हाट ही इज गोना डू ऑन नेक्स्ट। यहाँ पर एक सिर्फ कार का जो है कवर है और वहां से हाइट से आ रहे हैं मजिस्ट्री और उनके टीममेट, तो MZ भी पीछे से आ रहे थे, बट यहाँ पर फाइनली मजिस्ट्री ने गेमर यहाँ पर स्टार का नॉक निकाल लिया है और गॉड भी यहाँ पर टीम 14 द्वारा नॉकआउट हो गए थे। बात करें वहां पर स्टार के भी नॉकआउट पड़े, टीम 14 पूरी तरीके से चढ़ चुकी है। सो डेक्स्ट्रॉन यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं स्मोक करते हुए, एंड उनकी जो हेल्प है यहाँ पर मतलब ब्लेडर ओपी किस प्रकार बचाएंगे ये भी सोचने वाली बात रहेगी। आई थिंक किल यहाँ पर कंफर्म करना चाहेंगे, बट हाइट का एडवांटेज अभी टीम 14 के पास है। फाइनली को हेड कनेक्ट हुआ, एंड लुक एट हिज हेल्थ, OMG ही वांट्स टू हील हिम अप, बट देखते किस प्रकार होगा। और पीछे से कवर फायर आ रहा है कॉन्स्टेंटली, ब्लेडर का ब्लेडर अकेले क्या पर आए, गेमर गए हैं फ्री फायर दे रहे हैं स्प्रे में, एंड गेमर हैज बीन नॉक्ड आउट बाय डेक्स्ट्रॉन। OMG, ये है फाइट, ये है मैजिक और ये है PUBG। सो फ्लैंक गॉड और वहां पर जो उनके सहपाठी थे बिल्कुल रिवाइव मिल रहा है उन्हें, एंड दोनों प्लेयर्स ऑलमोस्ट यहाँ पर आके घुस चुके हैं, एंड स्प्रेज आ रहे हैं, फ्री फायर आ रहे हैं वहां पर MZ द्वारा, एंड यहाँ पर फिनिश ऑफ कर दिया गया है इसी के साथ, एंड पूरी टीम खत्म होती हुई। मजा आ गया है शानदार प्रदर्शन को देखकर। मीनवाइल टीम 14 यहाँ पर विजयी होती हुई, जिस प्रकार इनका रश था हमें लगा था थोड़ा बहुत यहाँ पर गलती हो सकता है, बट एट द एंड दे वर बिना विनर। सो अभी तक सबसे ज्यादा सेफ है स्कार की टीम, यहाँ पर स्कार वेनम मुझे दिख रहे हैं, स्कार कातिल दिख रहे हैं, नोवा दिख रहे हैं, एंड सबसे खतरनाक प्रीडेटर दिख रहे हैं। लेट्स सी किस प्रकार ये होल्ड करते हैं, अभी तक ये एरिया आसपास कोई भी टीम नहीं, और क्लस्टर अब जहाँ टीमें हुए हुए हैं जैसे आप बोल सकते हैं यहाँ पर साउथ ईस्टर्न साइड पूरी तरीके से क्लस्टर अप हो चुका है, बट लेट्स सी क्या होता है आगे। साउथ वेस्टर्न। सो टीम 7 की तरफ चले तो यहाँ पर टीम 7 मुझे दिख रहे बीस, और उनके साथ है जैक और यहाँ पर मैक्स भी है, एक अच्छा पोजीशन होल्ड किया और स्प्रे दे रहे टीम 21 के। फाइनली आखिरी जो पीपल है फिनिश ऑफ हो चुके हैं, मिस्टर यूट्यूब सिंह। सो एनीवे, मजा आ गया उनका ये गेम प्ले देखकर। टीम 14 अब जो है रोटेशन डालना चाहेगी, यहाँ पर अपनी अपनी डाशियाद और कार्स उठाए जा रहे व्हीकल्स। यूजुअली टीम 19 बहुत प्यारे पोजीशन पर आ गया था हमारा एक और ड्रॉप, हम इस ड्रॉप को भी चेक करना पसंद करेंगे। तो ये ऑलरेडी लूटेड अप है, मे बी, जी नहीं लूटेड अप नहीं है, और इसमें ऑग है। टीम 6 की बात करें तो टीम 6 यहाँ पर स्कल मुझे दिख रहे हैं, स्कल इज गोना लाइक हिट ऑन द स्कल ऑफ द एनिमी। स्प्रेज गए थे विद दैट DP 3X, बट वहां पर कोई फायदा नहीं हुआ, टीम्स निकल गई क्योंकि सबको जोन में जाना है। टीम 7 अभी सबसे ज्यादा पिछड़ी जोन फ्लॉप। मीनवाइल AB के क्राइम बॉय का यहाँ पर कुछ नॉक्स निकालते हुए, ओके ये जोन के बाहर फाइट हो रही है। टीम 25 हैज बीन वाइप्ड आउट ऑलमोस्ट, यहाँ पर रवि नॉकआउट पड़े हैं, टीम 25 के कुछ पीपल्स अलाइव हैं, आई थिंक वहां पर फ्लॉप को फिनिश ऑफ कर दिया गया। टीममेट स्प्रे ट्रांसफर कर रही है, बट आई होप सो वहां कनेक्ट नहीं होंगे। यहाँ नेट गया है रवि, अभी अभी जस्ट रिवाइव हुए, क्या ये नेट कनेक्ट करता, OMG रवि हैज बीन नॉक्ड आउट अगेन, एंड रश हो गया योद्धा एंड एनिमी नूब का। सो लेट्स सी, देखते हैं वो लोग क्या करेंगे। स्प्रे यहाँ पर फ्री फायर दिए जा रहे हैं AKM के, योद्धा हैज बीन नॉक्ड आउट, नूब इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फ्रॉम हिज टीम, फ्री फायर ऑफ दैट M4, ब्यूटीफुल, दैट वाज ब्यूटीफुल। फ्लॉप वहां पर बाहर एक पर से छोड़ दिया है नूब को, अब इनके ऊपर होने वाला है एक सीधा साधा रश। हील अप कर रहे हैं, फ्लॉप रश इन कर रहे हैं, निंजा पीछे से आ रहे हैं, दे आर अप लाइक निंजा इज अप, फ्लॉप वहां पर बाहर ही घूम रहे हैं, एंड फ्लॉप ऑलमोस्ट ओके नॉकआउट हो चुके हैं, इंस्टेंट फिनिश ऑफ करना चाहेंगे, कोई मौका नहीं देना चाहते। निंजा आई थिंक इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, एंड ही हैज बीन फिनिश्ड ऑफ बाय नूब। OMG, एंड वी नूब इज प्लेइंग लाइक अ बीस्ट, He is the god of this game, I think so. मतलब यहाँ पर ऐसा बोलना पड़ रहा है मुझे, क्या ही फाइट दिखाई है यहाँ पर। 6 kills and 5 kills नूब ने अकेले निकाले हैं, वो जिगल, वो स्प्रे एंड वो एम, ओ क्या मैं बोलू,
I'm speechless. This is how you play a game. This is what you call a gamer. Okay, यहाँ पर team 12 दिख रहे हैं, slash OP दिख रहे हैं मुझे. Like इनकी team खत्म हो चुकी थी, 1v2 की situation थी and क्या ही प्यारा तरीके से वो चीज़ manage किया है उन्होंने. बात करना पड़ेगा 1% हेल्थ एंड वहाँ हिम्मत की बात करें तो क्या टाइमिंग थी फर्स्ट एड पॉपअप करने की एंड गलती वहाँ पर की फ्लॉप ओपी की टीम ने कि वो ऊपर चले गए. अगर वहाँ पर वो ऊपर नहीं जाते तो यार काम हो सकता है. एंड रोज़ आती हुई इस प्रिटी ब्यूटीफुल ड्रॉप में टीम 12 जा रही है पीछे की तरफ एंड वहाँ पर आई थिंक शायद ड्रॉप की तरफ जाएंगे वो लोग. यहाँ पर LMS की टीम डेक्स ही दिख रहे फ्लैश मेडेक्स एंड 0 kills के अभी तक इनका खाता नहीं खुला है. खाता खुलवाओ और आधार कार्ड से ज़रूर लिंक करवाओ. अभी जस्ट रावी स्क्वाड मरी. हेलो ब्रो किलर बीन गेमिंग आईटी. हेलो ब्रो व्हाट्सअप ब्रो. बाय द वे यहाँ पर बात करें टीम 25 के तो नूब इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग एंड रोनाल्डो इज ऑल्सो द लास्ट मैन स्टैंडिंग फ्रॉम हिज टीम एंड ही इज वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन. यहाँ पर बात करें टीम 25 के बंदे ने अकेले रश कर दिया स्कार वेनम है यहाँ पर. एंड ये गुफा कब खुली भाई, हम तो राम रहीम की गुफा के बारे में जानते थे, ये गुफा नहीं आई थिंक सो. बट एनीवे ओके ये थी गुफा, ये थोड़ी मॉडिफाइड गुफा है, प्रीमियम वर्जन ओनली फॉर रॉयल पास मेंबर्स. बाय द वे यहाँ पर देखे हम बात करें तो आ चुके टीम 25 के अकेले प्लेयर नोव एंड यहाँ पर 1v2 का सिचुएशन है. स्कार की टीम यहाँ पर नोवा वेनम दोनों के दोनों हैं. स्प्रे ट्रांसफर हो रहा है बहुत ही प्यारा जिगर और नोव ने ऑलमोस्ट 1v2 बाय गॉड नूब ने 1v2 एक और कर दिया. इसे कहते हैं दे जिगल एंड दे जिगल और उनकी स्पॉट अब होल्ड कर ली है नूब ने. आप नूब इज नॉट अ नूब, ही इज एक्चुअली अ प्रो. ही इज जस्ट ग्रेट, इट्स जस्ट ग्रेट टू वॉच हिम एंड क्या मैं बोलूं. और वहां पर टीम 12 ने फाइट ले ली. मेड्रैक्स वहां पर काफी ज्यादा लोगों ने हेल्थ है, फ्लैश के पास जा रहे हैं, स्प्रे तो ट्रांसफर हो रही है. सो आखिरी 6 टीम है, कौन या चिकन सिक्योर करता है. स्मोक हो रहे हैं एक एक्चुअली वहां पर एक फिनिश हो और मैक्स भी आई थिंक फिनिश हो चुके हैं अभी हाल ही में हमें देखा. टीम 7 और 8 के यहाँ पर फाइट हो रही है जोन के बाहर इस रिज के फाइट कौन जीता है. प्रोन डाउन हुए थे बट जैक हैज बीन फिनिश ऑफ एंड इसी के साथ टीम 8 यहाँ पर विजय होती हुई. दे गॉट ओनली 40 seconds लेफ्ट टू गेट इन टू द जोन बट लेट्स सी कब तक वो लोग जोन में जाते हैं. टीम 14 की बात करें तो यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं एमसेंट के मजिस्ट्री. मजिस्ट्री प्ले लाइक्स अ मैजिकल थिंग लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेम्स ने टोटल जो है 3 kills निकाले अपनी टीम के लिए एंड स्प्रेज आ रहे हैं वहां पर टीम 12 के इफ आई एम नॉट रॉन्ग. जी बिल्कुल एंड यहां पर वो नॉकआउट हो चुके हैं सो रिवाइव दे दिया जाएगा फटाफट. आई डोंट नो कब तक रिवाइव मिलेगा. बाय द वे यहाँ टीम 25 के नूब इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फ्रॉम हिज टीम 6 एंड उनके गेम प्ले को देखकर रियली दिल से मजा आ रहा है. एक आखिरी प्लेयर के मतलब क्या बोलूँ मैं, इतना ज़्यादा जोश इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मुझे बहुत प्यारा लगता है एंड इस प्रकार का गेम प्ले तो चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस बिल्कुल. यहाँ पर इस प्लेयर की तारीफ तो बनती है. टीम 6 के यहाँ पर स्कल जो है डीपी से स्प्रे दे रहे थे एंड आई थिंक उन्होंने थोड़े बहुत स्प्रेज कनेक्ट हुए जोन की मार उन्हें बहुत ज़बरदस्त पड़ने वाली. टीम 8 पीछे से आएगी इनके एंड अगर वहाँ पर टीम 6 के वो आखिरी बंदे जो स्कल है स्पॉट होते हैं तो दैट्स गोना बी फर्स्ट थिंग to be happen with him. But yahan par dekhte hain ye nightmare nahi hona. Team 6 ke skull finally has been finished off by team 14 and team 14 wahan par spray transfer kar rahi hai team 8 ke upar. Team 8 is in the open, buggy ho gayi hai trap and finally one knock has been picked off. Okay yahan par Crims ne ek knock nikala but Crims is low on health. Achhe se third party ko and finally slash OP and flash ko le liya gaya hai. Are yahan to team 21 yahan par 12 kafi zyada suffer karne wali hai. Slash OP over knockout pade, flash to finish off ho chuke hai. Medrex and Dex hi mujhe dikh rahe hain. Dekhte kis prakar ka inka pradarshan hai. Team 25 ko zone favor karti hui team 8 ki baat kare to team 8 ke wahan par Rafid White jo buggy se bilkul wo drift hua tha aur wahan par gir chuke the team 14 dwara and kafi zyada skillful players hai yahan par. तो हमें कुछ भी कहने की दरकार नहीं है कि किस प्रकार का इनका प्रदर्शन रहेगा. और जोन अचानक से शिफ्ट ले रहा है एंड फाइनली शूटिंग रेंज में जाकर ये बस रहा है एंड टीम 8 ऑलमोस्ट जोन के एज पर है. आधी की आधी टीम जी नहीं पूरी टीम है. एंड बात करें टीम 25 के नूब के आप परेशानियां खड़ी कर रहे हैं टीम 12 के लिए बट काफ़ी ज़्यादा ओपन में है ये और इनके लिए ये एक ड्रॉबैक हो सकता है एंड इसके कारण इन्हें कुछ लॉस भी हो सकता है नुकसान भी हो सकता है. ऑलरेडी 7 kills निकाल चुके हैं टोटल टीम स्किल 8. सो इसे कहते हैं प्रदर्शन, इसे कहते हैं बेहतरीन प्रदर्शन एक्चुअली गाइस. और बात करते हैं यहाँ पर टीम 14 की तो टीम 14 इज रियली होल्डिंग अ वेरी ब्यूटीफुल स्पॉट बट उन्हें जाना पड़ेगा जोन में एंड देखते हैं कब तक रोटेशन देते हैं. यहाँ पर
टीम 25 के जो प्लेयर है चांस ले सकते हैं। मजिस्ट्री की गाड़ी थोड़ी होगी स्लो, दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर टीम 25 एंड स्प्रेस गए हैं बट अनसक्सेसफुली कनेक्ट नहीं हुए, अनफॉर्चुनेटली कनेक्ट नहीं हुए। यहां पर बात करें मेड्रैक्स की तो हेड्स को फिनिश ऑफ कर दिया है। OMG, he is playing like a golden bird. मुझे लग रहा है गोल्डन बर्ड ही है अपने टीम के वो। बट बाय द बात करें यहाँ पर सोनी की चिड़िया और यहाँ पर मेड्रैक्स की याद आ गई। सोनी की चिड़िया के नाम से अभी तक दो किल्स निकाले अपनी टीम के लिए और अकेले ही दो किल्स निकाले, पूरी टीम की भी किल्स जो है टोटल दो ही है। और यहाँ जोन अब श्रिंकिंग हो रहा है एंड दिस जोन इज गोना डिसाइड द विनर मे बी, बट यहाँ पर प्लेयर्स की स्किल्स भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। जोन है लास्ट और प्लेयर्स हैं काफी ज्यादा वास्ट। ओके, यहाँ बात करें टीम 8 की तो टीम 8 के अननोन मैनेजर स्पॉट कर रहे, अपना मैनेजिंग का काम कर रहे, किस प्रकार किसको पकड़े और दबा दे भाई साहब बिल्कुल जीरो किल्स के साथ। और टीम 3 में यहाँ पर ओम्पा की बात करें तो ओम्पा ने भी जीरो किल्स निकाले, 7 हिट्स आई थिंक वहाँ पर कुछ 3 किल्स निकाले थे और वही फिनिश ऑफ हो चुके हैं। मुझे याद है वो बगी के ऊपर थे एंड जस्ट स्प्रे गया वहाँ पर टीम 14 द्वारा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग टीम 14 वर्सेस 12 यहां पर देखने को मिल सकता है। मेड्रैक्स आ चुके हैं बहुत ज्यादा क्लोज एंड व्हाट अ स्प्रे, ओ माय गॉड, ये इसे कहते हैं एम। यहां मेड्रैक्स ने स्पॉट किया और एक नॉक निकाला, दूसरा नॉक बैक टू बैक एंड विद दैट 3x M4 स्प्रे ही हैज टुक ऑफ द होल टीम। मेड्रैक्स इज रियली मैड, OMG, जितनी तारीफ करें कम है यहां पर मेड्रैक्स की। व्हाट अ स्प्रे बाय हिम, what a beautiful gameplay by him and this is the thing, this is the experiments you made in this game and this is the how you result a good quality of number or good grades. yahan par baat kare unknown manager ki, unknown manager ye jo hai yahan par sack ka jo pura एरिया होल्ड करा हुआ है टीम अनोन मैनेजर इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फ्रॉम हिज टीम। टीम 12 और बहुत ज्यादा ओपन में आते हैं बट वहां पर काफी अच्छा नसीब था, डेक्सी ने पहले स्प्रे नहीं दिया एंड फाइनली हैज बीन स्पॉटेड। अनोन मैनेजर का क्या ही प्रोन डाउन लास्ट सेकंड में, पीछे से आ गई टीम 12, बहुत अच्छा मूव एंड शूट, मैड्रैक्स को पिक ऑफ किया, इसी के साथ सामने से भी फायर पड़ रही, पीछे से अनोन मैनेजर, बहुत ज्यादा बिल्कुल सैंडविच सिचुएशन उनके लिए। एंड आखिरी टू टीमें यहां पर ऑलरेडी एनवी नूब इज द लास्ट मैनिंग, ही वॉज एबल टू मेक इन द लास्ट जोन एंड बहुत ही प्यारा ओपन अपनी टीम को जिताने के लिए, अकेले बिल्कुल चिकन निकाला वहां पर डेवे का बहुत ही प्यारा प्रदर्शन, पीछे से आ रहे स्लैश ओपी एंड दिस इज गोना बी गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड नूब हैज बीन परेस्ड ऑफ बाय द वे एंड दिस ब्यूटीफुल चिकन डिनर गोज टू टीम LMSOP। बाय द वे यहां पर किल्स की बात करें तो किल्स टोटल सिक्योर कर लिए हैं बिल्कुल, 5+2 7 and 1 8 किल्स। बात करें यहाँ पर 4AB की टीम की तो टोटल 9 किल्स एंड नूब वॉज द बीस्ट MVP ऑफ हिज टीम, द मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन ऑफ हिज टीम बिकॉज ही सिक्योर्ड ऑलमोस्ट 9 किल्स एंड हिज टीम। बात करें टीम 3 की तो टीम 3 की ने 3 किल्स ही निकाले हैं, सो दैट्स अ प्रीटी गुड नंबर, 3 इज गोना गेट 3 किल्स और दे गॉट 3 किल्स। टीम 3 ने भी काफी प्यारा प्रदर्शन दिखाया। बात करें यहाँ पर हेलिसायन गेमर की तो उन्होंने अपनी टीम के लिए 1 किल निकाले, एम्स एंड मजिस्ट्री वॉज 2 किल्स, मतलब इनके किल्स भले कम है बट मैं बता सकता हूँ इस प्लेयर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। वो जो 2 किल्स इन्होंने निकाले हैं ना, दैट वॉज रियली डेंजरस एंड यार बिल्कुल एकदम लव हो गया भाई इस तरीके का स्प्रे देखकर। और बात करें यहाँ पर काल की तो काल यहाँ पर किसी के लिए काल नहीं बन पाए बट काल इनके ऊपर ही भारी पड़ गया 1 किल के साथ जाते हुए बिल्कुल। और वहाँ पर MZ की बात करें, मतलब क्रिम्स की बात करें, क्रिम्स was the MVP of his team with 4 kills. Team 5 की बात करें, Team 5 has also played a really decent game. यहाँ पर Zeus OP ने 1 kill निकाला, Skull ने भी 1 kill निकाला, Team kills 2. Team 6 यहाँ पर 3 kills के साथ exit लेती हुई at the position 6. बात करें 7th position पर तो Rex की टीम, वो भी हमारी मतलब एक तरीके पर्सनल फेवरेट टीम थी, बहुत अच्छा स्टार्टिंग भी खेलते थे बट वहाँ पर नंबर्स गेम फर्क पड़ गया। बट नंबर गेम्स की बात करें तो कोई नूब से सीखे हाउ टू प्ले अ नंबर गेम बिल्कुल सोलो होते हुए, स्क्वाड्स को टक्कर दी, डुओस को टक्कर दी, ट्राइब्स को टक्कर दी, दिस इज हाउ यू प्ले अ गेम, दिस इज हाउ यू प्ले अ मैच एंड ऑलमोस्ट सेकंड पोजीशन पहुंचा है, बहुत बड़ी बात है बीइंग अ लास्ट प्लेयर ऑफ हिज टीम। बात करें यार टीम 7 की तो टीम ओके यहाँ पर पोजीशन 8 पर आ चुकी है, स्कार की टीम 0 किल्स के साथ एग्जिट लेती हुई, RTB की टीम ने यहाँ पर भले ही 9 पोजीशन में बहुत ज़्यादा किल्स निकाले हैं, अगर मैं कहूँ तो थर्ड पोजीशन वाली टीम उससे भी ज़्यादा किल्स, तो यहाँ पर टोटल है 6 किल्स एंड द MVP ऑफ हिज टीम इज टाइलर वाईटी। तो टाइलर वाईटी का आई थिंक बहुत ज़्यादा यहाँ पर भाव बढ़ गया होगा एक तरीके से, टीम 10 यहाँ पर 0 किल्स निकालते हुए। एंड बात करें टीम 11 की तो टीम 11 ने भी 0 किल्स निकाले, जायरो की टीम जिससे हमें एक्सपेक्टेशन थी कुछ ज़्यादा अच्छा खेलेंगे, 4X की टीम जी
ये भी टीम सिर्फ 3 kills निकाल पाए और अकेले अभी ने निकाले और यहाँ पर घातक का भी 1 kill उन्होंने मिस कर दिया, तो 4 kills टोटल। टीम 13 की बात करें, टीम 13 ने यहाँ पर PMP पीयूष वॉज द रियली लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रहे थे। वो जिगल 2 knocks निकाला बट तीसरा अनसक्सेसफुली नहीं हो पाया वहाँ पर। बट अगर पीयूष वहाँ पर रश करते या फिर अगर कूद कर जाके एक प्लेयर को रिवाइव दे देते तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकते थे, बट वहाँ एक गलत डिसीजन पीयूष का एंड दिस इज द रिजल्ट। टीम रिजल्ट है आप 13 पोजीशन पे एग्जिट ले लिए, टीम 14 की बात करें 1 kill के साथ एग्जिट लेते हैं। बहुत ही प्यारा प्रदर्शन, आशा करते हैं आगे भी सारी टीमें ऐसा खेलती रहें। एंड थोड़ी देर बाद हम फिर से मिलेंगे, एक और मैच हुए और वो मैच कुछ ज़्यादा ही नेल बाइटिंग होने वाला है। ये तो हुआ ही हुआ सर, सो स्टे ट्यून्ड, तब तक हम आते हैं थोड़ी देर में, बिल्कुल लगे रहिए। और हम क्या बोलें, आई एम स्पीचलेस। I will be back guys soon. Burned me once or twice, I expect them.
You promise me.
just realized I've built walls a mile high to protect my heart, but now I'm all alone, stuck on the inside. The heart doesn't need a castle, it needs a bridge. Been so scared that I unravel. Brick by brick, I built these walls. Now I know that I am strong. Just watch me tear them down. I'm gonna tear them down. If it couldn't break your heart, is it really love? If it can't tear you apart, is it really love? Just watch me march towards the battle. I criticized myself for trusting lies. I know I can't hide, 'cause then I'd be alone, stuck on the inside. The heart doesn't need a castle, it needs a bridge. Been so scared that I unravel. Brick by brick, I built these walls. Now I know that I am enough. Just watch me tear them down. I'm gonna tear them down. If it couldn't break your heart, is it really love? If it can't tear you apart, is it really love? Just watch me march towards the battle. I'm gonna tear down this castle. I'm gonna tear down this castle. I'm gonna tear down this castle. Hello guys, welcome back again, and this is your friend Hari Om Mishra is back again. So ये आज का हमारा second match है, and देखने कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस second match में. आ चुके हैं सभी players, almost 74 people have joined this lobby. Okay, 76, 77, 89. Oh, I think so. It's above 80 or 80, exactly 80. सो नंबर ऑफ़ टीम्स की बात करें तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ़ टीम्स बोले तो 25 टीम्स नहीं है जी, बिल्कुल, क्योंकि बीच के स्लॉट छोड़ दिए गए होंगे मे बी. टीम वन में है यहाँ पर रॉकी डेविल ग्रेट 98 यू. ओके, देखते कैसा खेलेंगे ये लोग. टीम टू की बात करें तो यार टीएमपी पीयूष ओमेर डम्बो एंड हंटर ओपी है. सो एक स्लाइट चेंज इन द टीम. टीम थ्री की बात करें तो PB08 बसारा
बसरा रॉयल वाइटी एंड शुखे इनसे निस्तर है, देखते किस प्रकार का गेम खेलते हैं यार। मीनवेल श्राउड टीम फोर में, जी श्राउड टीम फोर में, ओके थोड़ी देर ये छोड़ते हैं एंड बात करें ब्रो इज दिस T1 स्क्रीम्स। यस ब्रो अर्लियर इट वॉज T1 स्क्रीम्स एंड यू कैन से इट्स अ मिक्स्ड वन। बाय द वे बात करें ट्रेजेक्टरी की, तो ट्रेजेक्टरी है कुछ इस प्रकार, क्वेरी से होते हुए जा रहा है स्टेबलर तक ये फ्लाइंग पाथ। और बात करें यहाँ पर आ रहा है प्रिज्मोस क्वेरीपायर क्वेरी गाटका हॉस्पिटल्स ऑलमोस्ट कवर हो रहे रुइंस कोचिंग की स्कूल रोजॉक शूटिंग रेंज से वर्नी एंड स्टेबलर। सो काफ़ी सारे ऑप्शन है। यस नाया भी टीम्स को पहुंचने के लिए और वो डिस्क्रीट लोकेशन जाना चाहें तो दे कैन गो विद देयर व्हीकल्स इफ दे दी वेर एबल टू फाइंड दम दैट थिंग। बाय द वे यहाँ बात करें हॉट ड्रॉप्स, तो हॉट ड्रॉप्स ऑलमोस्ट कवर हो रहे जो जो पुल पोचिंग की एंड और तो कोई दिख नहीं रहे। बट यसनाया को अगर आप कंसीडर करें एज अ हॉट ड्रॉप तो आप कर सकते हो, बट मैं नहीं मानता, प्रूफ दिखाओ। बाय द वे यहाँ पर सारी टीम्स ऑलमोस्ट अब अपना ड्रॉप लेंगी। एंड बात करें टीम फोर की, तो टीम फोर में है श्राउड अवनीत नमन ESG कमल एंड ये किसी लोकेशन पर जा रहे हैं अपनी जो बनी बनाई पोजीशन प्लेस जो रहती है मतलब कुछ भी वहां पर जा रहे हैं। यहाँ पर हरजस मुझे दिख रहे, सुख दिख रहे, रकून दिख रहे, रकून ने टीम चेंज कर दी है, जोकर के साथ इस बार खेलेंगे। TSM के अल्फा है यहाँ पर और एपिक लॉर्ड है, रॉकस्टार है, क्रेजी गॉड है, लेट्स सी ऐसा खेलेंगे लोग। एविल है यहाँ पर एंड YT है, जनो OP आई थिंक यही है T1 जी, आप मान सकते हैं यही T1 है। ईवल सजल है यहाँ पर, ईवल के ट्रैक्स OP है, जब है और यहाँ पर डेविल कैरियन। मीनवाइल वहाँ कोबरा ने ड्रैक्स OP का नॉक निकाला है बहुत ही प्यारे तरीके से, जितनी तारीफ करे उतने कम वहाँ पर, बहुत ही प्यारा कोबरा द्वारा स्प्रे, क्यूट कोबरा इज पिकिंग ऑफ सम किल्स। तो यहाँ पर कोबरा भले क्यूट है पर वो खतरनाक भी है, यहाँ पर वो दिखा रहे हैं। सो चलना चाहेंगे हम क्यूट कोबरा की ओर, वेयर इज क्यूट कोबरा, सो आई कांट फाइंड क्यूट कोबरा, हेयर ही इज। तो क्यूट कोबरा ने यहाँ पर स्टार्टिंग में दो किल्स निकाल लिए वाटर सिटी के अंदर। सो टीम 9 यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लंगड़ी हो चुकी है। डेविल आर्यन मुझे इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग दिख रहे हैं, बट लेट्स सी किस प्रकार जो है रशिन करेगी यहाँ पर ये टीम। आई डोंट थिंक सो, टीम 9 के पास एनफ लूट्स है, सो ही इज गोना फाइट विद दैट गन। एंड फाइनली AKM वॉज स्प्रेड ऑन हिम एंड ही हैज बिन फिनिश्ड ऑफ एज वेल। बाय द वे वहाँ पर मैडॉक्स को भी फिनिश कर दिया गया डेविल आर्यन, और यहाँ पर देजाऊ को भी फिनिश कर दिया गया। इसी के साथ टीम बहुत अच्छा खेली। AK रियली ब्रो लव योर कमेंट्री, थैंक यू ब्रो, थैंक यू वेरी मच। सो अगर आपको कमेंट्री पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे को भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। बाय द वे टीम 3 यहाँ पर सिनिस्टर दिख रहे हैं मुझे, सिनिस्टर VSS फोल्ड किए हुए हैं, देखते किस प्रकार का स्प्रे करेंगे। टीम 12 की तरफ चलेंगे, टीम 12 यहाँ पर पबजी के डेविल मुझे दिख रहे हैं, कोबरा बहुत प्यारा खेला था, अभी एक टीम वाइप आउट करी पूरी 4 किल्स बिल्कुल अर्ली मैच क्या बोल रहे हैं अर्ली फाइट्स में, तो ये बहुत अच्छा हुआ। 98 कराटो से दिख रहे बहुत ज़्यादा क्लोज टीम 8 के, सो बहुत पूरी पोजीशन पर है टीम 8 क्योंकि टीम 22 पूरी एक साथ है एंड टीम 8 स्प्लिटेड है, भले ही 4 मैन है। तो क्या हुआ यहाँ पर, दो प्लेयर्स इधर है, दो प्लेयर्स इन सम अदर पोजीशन। तो यहाँ पर क्राटोस के ऊपर गया था ये AKRL स्कारल का स्प्रे विथ नो वेस्ट, मतलब वेस्ट है यहाँ पर बट हेलमेट नहीं है, बट लेट्स सी किस प्रकार का जो आगे इनका थिंकिंग रहता है, किस प्रकार से ये आगे बढ़ेंगे और फिनिश ऑफ करना चाहेंगे सामने वाली टीम को। बट थोड़े डैमेज आई थिंक टीम 22 के किसी एक प्लेयर ने लिया वहाँ पर, मुझे दिख रहे हैं बिल्कुल रेड रेड जो चमक रही है। तो यहाँ पर मुझे ये राटेल दिख रहे हैं, टैलेंट राटेल, और ये स्विमिंग कर रहे हैं, सो बिल्कुल निहत्थे निशस्त्र। तो 2v2 की ऑलमोस्ट सिचुएशन है वहाँ पर, मुझे दिख रहे हैं जेनो OP काफ़ी ज़्यादा पीछे एंड फाइनली वो जा रहे हैं अपनी टीम को एक बैकअप प्रोवाइड करने। क्राटोस भी धीरे धीरे क्लोज इन करिए एंड टीम 8 के लिए सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है जब NYT जेनो OP पीछे से आएंगे, क्योंकि टीम 8 आई डोंट नो श्योर होगी कि नहीं उनके पीछे कोई टीम मतलब कोई प्लेयर हो सकता है, बट देखते हैं इनके फेट में क्या लिखा हुआ है। बाय द वे टीम 8 थोड़ी सी पोजीशन मतलब घेर रही है एक तरीके से टीम 22 को, बट लेट्स सी क्या होगा जी। नहीं सरप्राइज एलिमेंट नहीं, एक्चुअली टीम 8 पूरी तरीके से इकट्ठा होते हुए टीम 22 के लिए यहाँ पर मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि दो ही प्लेयर हैं। एंड फाइनली क्राटोस हैज बीन स्पॉटेड और ओपन में लेट गए बिल्कुल, UMP9 स्प्रे देने में जेनो OP ने कोई गलती नहीं की एंड इसी के साथ एक नॉक इंस्टेंटली लेते हैं एंड फिनिश भी कर देंगे। रातेल अभी तक ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक नाकाम कोशिश यहाँ पर, देखते कब तक ऊपर चढ़ पाएंगे। मीनवाइल पांडा हैज बीन नॉक्ड आउट, ओके पांडा के लिए काफी बुरा लगा। सोनू भी वहां पर नॉकआउट हो गए डम्बो द्वारा, तो डम्बो इज मेकिंग अ प्रीटी गुड मूव एंड टीम 2 इज लाइक taking some fights, some really good fights in the I think Novo Rukno, yeah, isn't that
ओके नहीं जी नहीं, ये लोग हैं जो जो पोल में. सो लेट्स सी यहाँ पर ज़्यादा आने वाला है. ये नया मैप है रैंगल 2.0 एंड प्लेयर्स भी बिल्कुल पुराने, प्लेयर्स वही पुराने बट मैप नया. सो देखते हैं किस प्रकार का प्रदर्शन रहेगा. ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं, बस डिज़ाइन और यहाँ पर घर में थोड़े बहुत चेंज हुए हैं. सो ज़्यादा मुझे लग रहा है यहाँ पर कंफर्ट ही हुआ होगा टीमों के लिए. यहाँ पर सोनू आई नो यहाँ नॉकआउट हुए थे, पर टीम सिक्स और टीम टू के बीच बुरी तरीके से सैंडविच हो चुके हैं टीम 16 एंड टीम 16 ने बुलाया. एंड डम्बो का बहुत ही प्यारा ओबीएस, इसका बेहतरीन स्प्रे एंड मैडॉक्स को नॉकआउट कर दिया है. एंड इंस्टेंटली फिनिश भी करना चाहेंगे बाय द वे, बहुत ही जबरदस्त स्प्रे. जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम. आई थिंक किल भी कंफर्म कर लिया है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. जी नहीं, मैडॉक्स अभी नॉकआउट पड़े हैं. मैडॉक्स काफी ओपन में. फाइनली किल हैज बीन कंफर्म बाय डम्बो. Dumbo is not playing like a dumb, he is actually smart, he is very very smart. And वहाँ पर सोनू स्पॉट करने की पीछे से कोशिश करें क्योंकि उनके पीछे थोड़े बहुत कंटेनर्स का कवर है. पीयूष काफ़ी ज़्यादा अलग अपनी टीम से वहाँ पर चढ़े हुए हंटर ओपी बहुत ओपन में ऊपर में. एंड ग्रेट 98 यू हैज बिन नॉकड आउट बाय somebody. ओके यहाँ पर हम बात करें तो टीम 1 और 15 की जो है भिड़न हो चुकी है. ये फाइट देखते हैं क्या अंजाम दिखाएगी. टीम 1 बहुत बुरी तरीके से फंसी है, चलना चाहेंगे वहां पर निंजा क्यों. निंजा हैज बीन नॉकड आउट बाय डेविल. व्हाट अ स्प्रे बाय डेविल. टीम 1 इज फाइनली फाइटिंग बैक बट निंजा यहां पर ओपन में बिल्कुल कॉट हो चुके हैं. एंड ये मुश्किल है कि वो किसी तरीके से कवर तक रीच कर पाए. बाय द वे स्प्रेज आ रहे निंजा के ऊपर, कर स्प्रे ने लेट कर दिया मोदफा आते आते. बाय द वे देखते हैं निंजा जा रहे पीछे की तरफ. यहां पर बेंज ने जो है स्पॉट को नॉकआउट कर दिया है. जी हाँ, वापस से एनओआईटी की टीम थोड़े बहुत मुश्किल सिचुएशन में फंसती हुई. वो प्यारी टीम, वो खतरनाक है. यहाँ पर जेरो ओपी ने टैलेंट रैडल का नॉक निकाला है बहुत ही प्यारे तरीके से. जितनी तारीफ करे कम है. एनओआईटी इज रॉकिंग राइट नाउ एंड दिस इज हाउ यू डू इट. बाय द वे चलते हैं एनओआईटी की तरफ. एंड यहाँ पर फाइट हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा ओपन में आ रही थी टीम 1 के. वहां पर बिहारी बाबू हमें दिख रहे थे बट इसी के साथ थोड़ा शिफ्ट हो चुका है. चलना चाहेंगे आगे टीमों की ओर. तो एनवाईटी की टीम आई डोंट नो दिख नहीं रही. जी फाइनली एनवाईटी की टीम अपीयर होती हुई. टीम 8 बहुत ज़्यादा क्लोज एंड टीम 22 को आई थिंक फिनिश ऑफ कर दिया है. सो दैट वाज अ गुड मूव, दैट वाज अ डिसेंट प्रीटी गुड मूव. एंड डेविल फाइनली वहां पर इनके एक और प्लेयर फिनिश ऑफ होते हुए रॉकी एंड डेविल इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग. डेविल काफ़ी ज़्यादा ओपन में वेक्टर का वो स्प्रे गया था, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बट सक्सेसफुली ये बच गए. बट अब नहीं बचेंगे क्योंकि इनके ऊपर होने वाला है रश और वहां से आ चुके हैं स्पाइडर. एंड स्पाइडर विल Take his kill as well. बहुत प्यारा, बहुत ही बेहतरीन, इतना प्यारा गेम प्ले. एंड पीयूष ने कुछ नॉक्स निकाला, वो सोनू को फिनिश ऑफ कर दिया है वहां पर पीयूष ने. दैट इज हाउ यू प्ले अ गेम. एमजी टीम 1 पूरी तरीके से खत्म होती हुई. आप बात करें खत्म होने वाली टीम, टीम 22, टीम 9 एंड टीम 1. तो यहां पर पीयूष ने एक किल कंफर्म करा अपनी टीम के लिए. तो पीयूष यहां पर उभरते हुए सितारे हैं. देखते हैं किस प्रकार आगे भी खेलते रहेंगे. ओम की बात करें तो ओम एक पोजीशन होल्ड किया और इनके पास टॉमी गन है एंड हेलमेट वेस्ट भी अच्छी खासी इक्विपमेंट्स है इनके पास. सो आर्मर भी अच्छा है, हेलमेट भी अच्छा है. माय द वे यार टीम 16 की आई थिंक लास्ट में स्टैंडिंग है. पीयूष का भी ज्यादा ओपन में. टीम 3 वहां पर थर्ड पार्टी करती हुई एंड टीम पीयूष हैज बीन नॉकड आउट एज वेल बट दे विल ट्राई टू कंफर्म द किल एंड इट हैज बीन कंफर्म. बाय द वे दैट इज हाउ यू डू इट. बहुत अच्छा प्यारा बट स्मोक काफी ज्यादा लेट हो गया था ओम का. ओम आ चलते थे बट काफ़ी प्यारा ओम का जो है यहाँ पर सेंस ऑफ ह्यूमर काम किया. स्मोक किया बट स्मोक बहुत ज़्यादा लेट हो गया. एंड टीम 16 के आखिरी प्लेयर बचे एंड ओम वहाँ पर कॉट होते हुए ओपन में. एंड फाइनली दैट विद दैट M24 यूलिक 6 ने बहुत ही प्यारा नॉक निकाला. एंड अब टीम 2 लंगड़ी हो चुकी है. डम्बो और हंटर ओपी देखते अकेले क्या कर पाएंगे. बाय द वे ओम तो फिनिश ऑफ हो जाएंगे वहां पर. M249 वाले को आई डोंट नो फिनिश ऑफ करा है कि नहीं करा है बट टीम 16 का खात्मा यहाँ जरूर हो गया. जी बिल्कुल खत्म होते हुए एक परेशानी साफ हो गई है. दूसरी परेशानी बाकी टीम 6 हमें नहीं दिख रही है. आई डोंट नो क्या हुआ यहाँ पर क्लस्टर बट टीम 6 जी टीम 6 है यहाँ पर बट काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुकी है. ओके ओलो उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली. मे बी उनको ये वो पोजीशन अनसेफ लग रही है. और टीम 3 काफ़ी ज़्यादा स्प्लिटेड है. भले ही 4-man स्क्वाड है बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है 3 man आ चुके हैं यहाँ पर और 1 man इज बैक बिहाइंड समवेयर. बट लेट्स सी किस प्रकार वो फाइट करेंगे. ओम वॉज सेव्ड बाय हिज टीम बट लेट्स सी आगे वो क्या करते हैं. 2 की वॉचिंग आ रही है. जिसने अभी तक लाइक नहीं करा और शेयर करो, बुलाओ अपने दोस्तों को भी देखा. और निंजा ने यहाँ पर कुछ नॉक्स निकाले. नेट द्वारा एश पेन ने एक नॉक निकाला. सो निंजा इज डूइंग समथिंग देयर एंड फाइनली चार्ल्स हैज बीन फिनिश्ड ऑफ एंड निंजा हैज बीन नॉक्ड आउट. ओएमजी दैट्स ग्रेट, लेट्स गो ऑन निंजा. निंजा वाज नॉक्ड आउट बाय टीम 20 एंड बाय द वे दैट्स ग्रेट टू सी.
टीम 20 इज डूइंग एश पेन यहां पर स्प्रे दे रहे बहुत प्यारे तरीके से। इसके साथ एक और टीम का खात्मा होता हुआ मिस पायरा निंजा एंड बिहारी बाबू फिनिश ऑफ हो चुका है। आज बिहारी बाबू का जलवा हम नहीं देख पाए, इसके लिए हमें बहुत बहुत माफ करिएगा बिहारी बाबू, आपको कुछ करना चाहिए था सर, ऐसे नहीं जा सकते आप हमें छोड़कर। बाय द वे यहाँ पर पीयूष का लॉस होता हुआ टीम टू को। और बात करें टीम थ्री की तो यहाँ पर बासरा की टीम यहाँ पर एक किल्स निकाल चुकी है और उसमें भी रॉयल वाइटी ने ये किल निकाला है, तो यहाँ पर इनकी टीम जो है रोटेट कर रही है। एंड आई थिंक बासरा यहाँ पर AFK है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बाय द बात करें टीम फोर की, टीम फोर के कमाल मुझे दिख रहा है अवनीत दिख रहे हैं, श्राउड इज इन हिज इन दिस टीम, सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किस लेवल का हमें गेम प्ले देखने को मिलेगा। बाय द वे चलते हैं टीम सिक्स की तरफ, तो जोकर है यहाँ पर। मीनवाइल ओ ओ ओ ओ ओ ओ सुख वाज नॉक्ड आउट देयर एंड यहाँ पर हरजस ब्लीड आउट हो जाएंगे। रकून एंड जोकर एज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर देयर टीम, टीम 23 के वहाँ पर 2KD के टाइगर को भी नॉकआउट कराया, तो 2KD की टीम वापस से 23 पोजीशन होल्ड करते हुए पीछे से जोकर कॉट आउट हो चुका है टीम 3 द्वारा। टीम 3 यहाँ पर एक थर्ड पार्टी एलिमेंट एज अ प्लेयर रोल करते हैं यहाँ पर, तब क्या ही बोले। और अल्फा सुख वहाँ पर फिनिश हो सकते हैं। बाय द वे रकून घुस चुके हैं उस स्क्वाड हाउस में, मे बी आप पहले से थे आई डोंट नो, बट टीम 3 पीछे से जोकर को आई थिंक स्पॉट करना चाहेगी एंड वहाँ पर किल लेना चाहेगी। फाइनली थर्ड पार्टी काम करती हुई एंड पूरी टीम यहाँ बिखर चुकी है टीम 6 की। जी बिल्कुल, अब स्क्वाड हाउस देखते कब तक होल्ड कर पाएंगे। और टीम 3 ने अपना काम कर दिया, शायद वहां पर फायरिंग के साउंड सुन रहे होंगे टीम 2, और किल कंफर्म करते हुए रकून ने कहा हम तो डूबे सर, हम तुमको भी ले डूबेंगे। एंड फाइनली पूरी तरीके से इस टीम को समाप्त करते हुए टीम 23 को और 2KD की टीम वहां पर वापस से खत्म होती हुई। बाय द वे सामने से टीम 3 एक बहुत ही बुना हुआ जाल जो है सर्व कर रही है यहाँ पर टीम 6-1 स्प्रे गैस क्वारल का, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्प्रे बाय रकून एंड दैट्स हाउ यू पिक अ नॉक एंड मेक अ कमबैक। बाय द वे वहाँ पर इजीली रिवाइव मिल जाएगा क्योंकि उनके आगे एक बहुत प्यारा कवर है, बट यहाँ पर अगर रकून कोई गलती ना करे तो कुछ आगे तक पोजीशन ले सकते हैं। और यहाँ पर टीम 2 को आई थिंक घुसना चाहिए इस फाइट के बीच एंड थोड़ा बहुत काम करना चाहिए क्योंकि इतने देर से फायरिंग और बहुत ज़्यादा क्लोज लोकेशन है, तो साउंड तो ऑफ कोर्स आ रही होगी। सिनिस्टर वाज रिवाइव्ड बाय हिज टीममेट एंड यहां पर देखते हैं बासरा वाइटी क्या करेंगे। मीनवाइल एनवी के नू वापस से कमाल करते हुए एंड वहां पर तो कुछ किल्स निकाले बट योदा उनकी टीम के नॉकआउट हो चुके, चलना चाहेंगे एनवी की टीम की ओर वापस से। दिस टीम इज लिट, दिस टीम इज ग्रेट। बाय द वे चलते हैं एनवी की नू की तरफ एंड वहां पर एनवी की नू ने हेरेडिया को नॉकआउट फिनिश ऑफ कर दिया। क्राइम बॉय ने रोहिता का किल निकाला एंड सौरभ जैन वाज फिनिश्ड बाय नूब एंड दिस इज हाउ यू प्ले अ गेम। फिर से नूब अपनी टीम में MVP बनते हुए 2 किल्स निकाल चुके 3 में से अब तक, सो दैट्स ग्रेट, दैट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड ही इज सीजिंग इट। बाय द वे काल को याद देखे तो काल ने 1 किल निकाला है, क्रिम्स ने 1 किल निकाला है, मजिस्ट्री ने 1 किल निकाला है, हेलीकॉन गेम ने 0 किल निकाला है अभी तक, बहुत अच्छा। पर आगे आशा करते हैं किल्स निकालेंगे। रॉयल वाइटी बिल्कुल छुप छुप के किल्स निकाल रहे, एक और किल्स निकाले यहाँ पर। रकून इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग एंड रकून वहाँ से निकल चुके हैं धूम दबा कर, सो दैट्स अ प्रीटी ग्रेट डिसीजन। टीम 3 का बहुत प्यारा रश था बट वहाँ से निकल चुके, ओके इन्होंने पोजीशन चेंज की, सोचिए टीम 3 को अटैक करेंगे बट टीम 3 वॉज शार्प एनफ, दे रीच देयर अर्लियर देन हिम। बाय द वे टीम 2 अभी तक जो है इंतजार करिए, आई डोंट नो क्या लूट रहे वो लोग, सोना यहाँ से खोद के निकालेंगे या नहीं मुझे नहीं पता, बट एनीवे मजा आ रहा है इस चीज को देखकर। बात कर टीम 7 की, टीम 7 अभी तक उस वैसी टीम दिखी नहीं जो मतलब घुस घुस के मारेगी, एक टाइप के अंडरडॉग टीम है और यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं इस कंपाउंड को, बट लेट्स सी कब तक होल्ड कर पाते हैं। क्या इन्हें जोन में जाना, जोन आई थिंक है इनके ऊपर, जी नहीं जोन तो नहीं है बट इन्हें जोन में जाना होगा। बाय द वे टीम 6-3 काफी ज्यादा क्लोज है, टीम 18 अभी आ रही है जोन में धीरे धीरे, आई थिंक रोटेशन डालेगी, जी हाँ मिल चुकी है ये ब्यूटीफुल डाशिया, सो देखते कब तक जोन में जाएंगे। बात करें टीम 24 की तो मजेस्टिक की टीम वापस से हमें दिखती है एंड टीम 21 से इनका जो है क्लोज एनकाउंटर होने वाला है। आई थिंक थोड़े स्प्रे ट्रांसफर होंगे एक तरीके का बोल सकते हैं, अब मिर्जापुर यहाँ हो जाए बट लेट्स सी। बाय द वे मजेस्टिक के ऊपर स्प्रेज हो रहे थे टीम 21 हमें दिख रही थी और वहां पर 4FC के योद्धा वॉज लाइक लिट हो चुके थे, महान योद्धा वहां पर बाहर में नॉकआउट हो चुके थे और ये टीम बहुत ज्यादा केपेबल है कुछ भी करने के लिए। बाय द वे यहां पर योद्धा घातक दोनों को जो है फिनिश ऑफ कर दिया गया, योद्धा YT भी वहां फिनिश एंड माफिया हैज बीन फिनिश्ड ऑफ एज वेल, टीम 4 इज मेकिंग अ लीड हियर ESG के साथ और यहाँ पर 2 किल्स निकालती हुई टीम 4 आई थिंक सो एंड बाकी दो टीम 24 के हाथ से चढ़ गई, तो बहुत प्यारे तरीके से 5 किल्स निकाल चुकी है टीम 24। बट बात करें यहाँ पर टीम 24 की तो 3 किल्स यहाँ पर काल ने निकाले, तो काल फाइनली लास्ट मैच में जो गलतियाँ की थी उसके बाद कुछ ज़्यादा ही उभरते हुए दिखा रहे कि हम ही हैं काल सबके, सो एनीवे मज़ा आ गया इस चीज़ को देखकर।
बाय द वे टीम 4 एंड टीम 24 काफी ज्यादा क्लोज एंड साउंड सो आए होंगे वहां पर. अब जो होने वाला है यहाँ हेड टू हेड एनकाउंटर टीम 8 वर्सेस 79. आई थिंक दोनों को पता है कि उनके सामने है एक टीम एंड काफी प्यारी पोजीशन सभी ने होल्ड करी है. अमन ओपी अपनी टीम को लीड करते हुए एंड सामने से एवल अपनी टीम को लीड करते हुए. मीनवेल श्राउड ने बहुत ही प्यारा फटका चलाया है M24 का एंड इसी के साथ एक बहुत ही प्यारा नॉक निकाला है. सो फाइनल टीम 4 एंड टीम 24 आर गिविंग देमसेल्व्स अ हेड टू हेड कंपटीशन. प्लस एक और फटका गया था एंड दैट वाज लिटरली ग्रेट. आई डोंट नो कनेक्ट हुआ है या नहीं बट टीम 24 वहां पर फाइनली जो है थोड़े चार्जेस लेती हुई टीम 4 के ऊपर एंड काल वाज रिवाइव्ड बाय हिज टीममेट. बट यहाँ पर रिवाइव और नॉक होने से काम नीचे लगा. यहाँ पर चाहिए किल्स, यहाँ पर चाहिए वो नंबर वन का जो है पोजीशन. आपको चाहिए चिकन डिनर अगर आप प्रूव करना चाहते हो बेस्ट हो बेस्ट मतलब बेस्ट ऑफ बेस्ट हो तो. मतलब यहाँ पर ग्रोज आया इस ड्रॉप में एंड दैट्स गोना बी ग्रेट, दैट्स गोना बी ऑसम. By the way, team 3 आप दिख रहे हैं. Meanwhile, Immortal ने finally NYD के Zeno OP का knock निकाला है. यहाँ पर Tommy और बहुत ही खतरनाक तरीके से यूज कर रहे हैं Immortal. जितनी तारीफ करे कम उतनी ही भाई साहब सचमुच डीपे से अमन OP को यहाँ पर नॉकआउट कर दिया गया है किसी प्लेयर द्वारा. एंड फाइनली इस ब्रिज पे एक्शन बढ़ता हुआ Zeno OP फाइनली स्कैमी भी नॉकआउट हो चुके जी. स्कैमी ने नॉक किया एक्चुअली. स्पॉट इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग. इवन नॉकआउट है, Zeno नॉकआउट है, सभी के सभी नॉकआउट है. टीम 17 इज गोना रश इन देयर. अमन OP वहां पर नॉकआउट हुए थे. अमन OP के रिवाइव मिल जाएगा. इवल के ऊपर हो चुका है रश. इवल का किल यहां पर कंफर्म कर लिया जाएगा बट वहां फाइनली पीछे से अच्छा ट्रेड फायर आता हुआ और कवर फायर एक्चुअली वो है. एंड Zeno OP यहां पर रिवाइव हील अप हो चुके हैं. इवल को फाइनली फिनिश ऑफ कर दिया एंड इसी दौरान Immortal को पिक मतलब नॉकआउट कर दिया स्पॉट OP ने बहुत ही प्यारे तरीके से. OMG अपने टीममेट को तो नहीं बचा पाया बट यहाँ पर इजिली रिवाइव मिल जाएगा Immortal को. एंड फाइनली 3v4 की सिचुएशन होती हुई अगर यहाँ पर फिनिश ऑफ हो जाते NYT के OMI OP तब फिर मुश्किलें बढ़ सकती थी. भाई बाकी टीमों की तरफ भी हम चलना चाहेंगे बट पहले यहाँ पर एक्शन देखते टीममेट ने और Immortal ने वापस से वो फटकारा दिया है ओम का. ऐसे ओम यूज करते हैं वो सिखा रहे हैं. देखिए आप किस तरीके से ओम यूज करते हैं. आप हेड दिखाएंगे, आप चटका खाएंगे और आप उड़ जाएंगे. बाय द वे यहाँ पर आ चुके हैं अमन ओपी बिल्कुल रोटेशन डाल के. इनके डैश आ गई है पलट. सो दैट्स गोना बी ग्रेट बट किस्मत ना पलटे यही हम चाहेंगे. बाय द वे Zeno OP को वहां पर बहुत अच्छे तरीके से रिवाइव दे दिया. दैट वाज अ प्रीटी वाइज डिसीजन बट लेट्स सी यहां पर आ चुके अमन OP एंड स्प्रेज करेंगे, स्प्रेज देंगे यहां पर. फाइनली स्काउट स्पॉट OP का जो है फिनिश ऑफ कर दिया गया एंड किल कंफर्म कर देगा Tommy OP एंड Zeno OP. देखते हैं अपनी टीम के लिए क्या कर पाएंगे. अमन OP यहाँ पर रोटेशन डालकर आ चुके हैं एंड अमन OP के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. उनको स्पॉट है यहाँ पर नॉक करने की प्रोन हुए एंड फाइनली क्या ही लेजर स्प्रे गया एंड फाइनली Tommy OP को वापस से नॉकआउट कर दिया गया. ओम का फटका वहां पड़ा फाइनली Tommy OP का एंड ही हैज बीन फिनिश ऑफ. बाय द वे Zeno OP इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग विदाउट हेलमेट बट ही गॉट अ बेस्ट ऑफ लेवल 2. लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन ऑन नेक्स्ट. By the way, जितनी तारीफ करे मजा आ रहा है इस चीज को देखकर. ओके आगे देखते क्या होता है. स्कैमी आ चुके हैं. Zeno OP इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग. क्या यहां पर 1v4 देखने को मिल गया बट पीछे से मिनी का वो जो है फटकारा पड़ा किलर द्वारा एंड इसी के साथ खत्म होता हुआ काम, खत्म होता हुआ चीज. NYT की टीम का अंत तो रंत विद डेड विम्बार. बाय द वे टीम 24 एंड फोर यहाँ पर हेड टू हेड कॉम्पिटिशन दे रहे. चलना चाहेंगे सिनिस्टर की हो तो सिनिस्टर यहाँ पर किसी टीम के ऊपर आई थिंक रश कर चुके हैं एंड आई डोंट नो विच टीम इज इट. बाय द वे टीम 2 ओके फाइनली टीम 2 वर्सेस 3 फॉर दैट पोजीशन 1. लेट्स सी देखते हैं. डम्बो यहाँ पर ग्रोजा लेकर रखी है हाथ में और फाइनली मुझे दिख रहे हैं कोई तो दिख रहा है. सिनिस्टर राइट साइड से प्लैंक कर रहे हैं. क्या यहाँ पर बैकअप मिल पाएगा डम्बो को उनकी टीम द्वारा. तो 2v3 की ऑलमोस्ट फाइट है. सिनेशर वहां पर स्पॉट हुए प्लेजन द्वारा. बासरा हैज बीन नॉक्ड आउट. वहां पर ओमेर नॉकआउट हो चुके हैं रॉयल द्वारा. आई डोंट नो कैसे बट नॉकआउट हो चुके हैं. सिनेशर इज लो ऑन हेल्थ. वहां पर मुझे दिख रहे हैं उनके टीममेट भी काफी ज्यादा लो ऑन हेल्थ एंड फटाफट फर्स्ट हिट पॉप करेंगे रॉयल वाईटी. लेट्स सी ओम ने अपनी टीम के लिए मुश्किलें बढ़ा चुके हैं. यहां पर स्पॉट होते हुए डम्बो एंड डम्बो हैज बीन फिनिश्ड ऑफ एज वेल. OMG एंड टीम 3 हैज वन दिस फाइट एट ऑल. By the way, अब आ चुके हैं इस रूम के अंदर एंड लूट करेंगे आराम से. बासरा इनके जो टीममेट थे वो तो जोन के बाहर ही नॉकआउट हो चुके थे. ओके यहाँ पर बहुत गलत बातचीत हो रही है बट बोला गया नूबड़ा. By the way, यहाँ पर लॉर्ड फ्लिक्स मुझे दिख रहे हैं. यहाँ पर मैवरिक ने जो है लॉर्ड फ्लिक को नॉकआउट कर दिया. ओ ये क्या हुआ, ये क्या हुआ. बिल्कुल शॉट वहां पर शॉट ले लिया गया उनके ऊपर एंड इनकी गाड़ी जो है पूरी तरीके से ब्लास्ट कर दी गई, भरबंड कर दी गई एंड बासरा वहां पर जोन के बाद फिनिश हो गया. टीम 3 के जो कि AFK थे. बाय द वे शॉट
को शॉट का भी किल यहाँ पर मिल गया, तो दो इजी किल्स टीम 19 को मिलती है। वैन पोचिंके में उनके बाकी दो पीपल्स हैं, मतलब दो प्लेयर्स हैं, देखते हैं को कब तक आएंगे और कब तक मतलब बैकअप देंगे। आप तो आत्मा को ही बैकअप दे सकते हैं भाई, दबे उनकी पेटी जो बन गई यहाँ पर। फाइनली आयरस मर्क को क्या ही कारण 88K का वो शॉट दिया वेनम ने। वेनम वॉज ग्रेट एट हिज वर्क बाय द वे। एलेक्स कार्ल को फाइनली नॉकआउट कर दिया गया क्राइम बॉय ने, क्या है वो कार 98 का शॉट। और यहाँ स्नाइपिंग का मतलब नजारा देखने को मिल रहा है हमें, वेनम क्या ही स्नाइपिंग कर रहे हैं। एंड स्नाइपिंग देखकर आप भी कुछ सीख सकते हैं भाई। दबे यहाँ बात करें वॉरियर हमें दिख रहे हैं जी, उनके ऊपर शॉट्स लेना चाहेंगे। अब हम चलते हैं टीम 24 और 4 के बीच। वहां पर थोड़ा फाइट जो था बिल्कुल एक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा था, बट यहाँ कुछ नहीं, अभी तो सिर्फ फटकारों का खेल चल रहा है। एक आग और नॉक्स मिले तब आगे बात बढ़े। यहाँ पर काल के ऊपर स्प्रेज आ रहे आई थिंक सो, बट वहाँ टीम 4 भी जो स्प्रे करे टीम 25 के ऊपर, तो दो टीम्स के साथ एक साथ बैठे। तो टीम 25 बता दे 3-man स्क्वाड अभी बची हुए हैं, आगे देखते हैं वो लोग क्या कर पाएंगे। यहाँ श्राउड हैज बिन नॉकड आउट बाय सम टीम, यहाँ पर ओपन में रिवाइव देती हुई अवनीत, एंड अवनीत देखते हैं कब तक रिवाइव दे पाएंगे। जी जस्ट रिवाइव हो चुका है एंड जोन अभी श्रिंक होना बाकी है, बट टीम 7 अभी सबसे ज़्यादा सेफ पोजिशन पर है। बात करें तो ये जोन के बाहर कुछ ज़्यादा ही जल्दी होल्डिंग नहीं चल रही है, मतलब अभी इस कवर की क्या काम है, आप जोन में जाइए। तो पहले बाय द वे टीम 3 यहाँ पर सिनिस्टर मुझे दिख रहे हैं, सिनिस्टर एंड रॉयल वाइटी आर द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर द टीम। एंड टीम 2 का क्या ही सफाया करा था, उस सफाई को देखकर मजा आ गया। बाय द वे बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे, डम्बो ने बहुत प्यारा गेम खेला था, बट वहाँ ओम हद से ज़्यादा गलती कर बैठे, काफ़ी ज़्यादा अपना पहले नॉक दे दिया। एंड डम्बो जब उन्हें बचाने गए तो काफ़ी मुश्किल हो गई उनके लिए। सो वहाँ काम हो सकता था अगर ओम वो गलती नहीं करते थे, क्योंकि ऑलरेडी लिट थे सिनिस्टर एंड रॉयल। बाय द वे बात करें यहाँ पर हम ड्रॉप की, तो लॉर्ड शूटर है पता है ड्रॉप लोटे टीम 18 के जी, एंड ड्रॉप में M249 थी। आई डोंट थिंक सो उन्होंने उठाई होगी, आई डोंट नो, लेट्स सी क्या उन्होंने उठाई है ये M249। बाय द वे M249 उठा ली है, सो दैट्स अ गुड थिंग फॉर टीम 18। देखते हैं किस प्रकार इसका इस्तेमाल करेंगे, क्या यहाँ पर कुछ नॉक्स एंड किल्स निकाल पाएंगे। बाय द वे काल यहाँ पर 3 किल्स निकाल चुके हैं, 2 बार नॉक आउट हो चुके हैं, इनके हेलमेट वेस्ट ऑलमोस्ट ही खत्म हो चुके हैं। टीम 20 मुझे दिख रहा है एटर्नल के जैक, ओके इटर्ना जैक, एंड जैक वहाँ पर क्या स्प्रे दे रहे हैं, डीपी विद 4x, एंड दिस इज द फेवरेट कॉम्बिनेशन दैट एवर एनीबडी हैड। बाय द वे यहाँ पर स्प्रे जा रही 6x के साथ, डीपी 4x नहीं माफ करेगा, बहुत ही प्यारा स्प्रे। एंड जितने लोग भी देख रहे हो उतने लोग यार सब्सक्राइब कर दो फटाफट चैनल को, एंड प्लीज लाइक द वीडियो एज वेल। बाय द वे वहाँ पर टीम 24 एक रॉक का पोजीशन होल्ड करिए, एंड यहाँ पर अपनी जीप्स यूएस लेकर मतलब जो है एक पोजीशन लेना चाहिए। फाइनली स्प्रेज आए, यहाँ पर काल उतरे एंड वापस से बैठे, ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, बट कोई नहीं, काल आई थिंक लैगिंग, ही इज लैगिंग, मे बी ही इज लैगिंग, बट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लो हेल्थ आ चुका है इनका, ऑलमोस्ट हेलमेट ही उड़ चुका है, तो यहाँ काफ़ी मुश्किल हो सकती है। एक आग शॉट कनेक्ट होता है और काल इज बूम, काल तीसरा नॉक नहीं ले सकते क्योंकि अगर वो अब नॉकआउट होते तो टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बढ़ेंगी। टीम 25 हर तरह कैसे पिस्ड ऑफ हो रही है, टीम 20 भी उन्हें टारगेट कर रही है, टीम 24 भी उन्हें टारगेट कर रही है, एंड आगे पता नहीं कौन कौन सी टीम उन्हें टारगेट करेगी। टीम 4 अभी बहुत प्यारे पोजीशन पर है, उनके आसपास कोई टीम नहीं, जी नहीं टीम 3 है उन्हें परेशानी देने के लिए, बट टीम 3 थोड़ी सी दूरी पर है। टीम 18 अभी तक जोन में नहीं आ पाई, टीम 6 के रकून वापस से अकेले बसते हुए अपनी टीम में, एंड वहाँ पर जोकर हरजस एंड सुख फिनिश ऑफ हो चुके हैं। तो एनीवे देखते हैं रकून कब तक अपनी टीम को ले जा पाएंगे। टीम 19 की बात करें, टीम 19 की टीम यहाँ पर एक्सेस की टीम एक रॉक होल्ड करते हुए, देखते हैं किस प्रकार का प्रदर्शन रहता है इनका। और चलते हैं हम बाकी टीमों की ओर, तो यहाँ टीम 17 हमें दिख रही है, टीम 17 यहाँ पर अमन ओपी की टीम, और यहाँ पर इमॉर्टल बाय द वे स्कैमी भी हैं, अमन तो है ही, और क्या बताएं कैसा इनका गेम प्ले रहेगा वो तो आगे पता चलता है। 4 किल्स अभी तक निकाल चुके हैं इसलिए, एंड इमॉर्टल की तारीफ करूँ तो मैं ओम मास्टर है बिल्कुल, ये जब जब ओम चला इन्होंने तब एक एक नॉक लिया है, एंड देखिए किस तरीके से लहरा रही है इनकी गन, ये गन बिल्कुल भूखी हुई गन, भूखी गन है, एंड इस गन को सिर्फ किल चाहिए, इस गन को सिर्फ नॉक चाहिए, किल से ही इसका पेट भरेगा, नॉक से तो पेट भरने वाला है नहीं घंटा। बट एनीवे यहाँ पर चलते हैं गेमर की तरफ, तो गेमर ने अभी तक 0 किल्स निकाले, क्रिम्स वापस से 1 किल, मजिस्ट्री ने किल, ये एक अच्छी पैक है, एक्शन पैक टीम है, बट देखते हैं किस तरीके से आगे प्रदर्शन रहता है इनका। टीम 19 की बात करें, टीम 19 अभी तक जो थोड़े आदान प्रदान कर रहे हैं सम्मान हो के, मतलब ऑब्जेक्ट के। बाय द वे मॉडल की हम तारीफ कर ही रहे थे तभी अचानक रॉयल का वो बहुत ही ब्यूटीफुल नॉक, चलते वापस ए मॉडल के तरफ, ही इज लिटरली प्लेइंग लाइक अ एम मॉडल। ओके बाय द वे क्या स्नाइपिंग थी, क्या शॉट था वो, बट हमने मिस कर दिया।
आई एम सो सॉरी बट एनी वे रकून यहाँ पर स्पॉट करने की कोशिश कर रही है क्योंकि रकून अभी जस्ट इनके पीछे से गए थे सो दे गॉट सम आइडिया देयर इज सम प्लेयर नियर अस बाय द वे यहाँ पर 3x एंड 6x बार बार कर रहे हैं एंड बार बार स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं सो इमॉर्टल लव्स द स्नाइपिंग द वे ही इज स्नाइपिंग राइट नाउ बाय द वे वहाँ पर लॉर्ड वेनम टीम 18 के फाइनली कुछ कमाल करते हैं एश पेन को नॉक एंड फिनिश किया है इंस्टेंट दैट वॉज ग्रेट बाय द वे लॉर्ड शूरवीर हैज बीन नॉक डाउन एंड मे बी आई डोंट नो व्हाट हैपेंड बट टीम 18 यहाँ पर थोड़े अंडर एंड पटरी अंडर डॉग टीम है बट दिखते हैं कब तक ऊपर आ पाए यहाँ पर शूरवीर को रिवाइव दिया जा रहा है आई डोंट नो वेनम वहाँ पर दिख रहे हैं वेनम रिवाइव दे रहे हैं बट लेट्स सी क्या होता है आगे टीम 20 के आखिरी प्लेयर जो सर्वाइव करे इटर्नल जैक हमें याद है अभी वीक किस प्रकार इनकी फाइट हुई थी एंड आई थिंक यही टीम ने टीम दो प्लेयर्स को खा गई थी आई डोंट नो बट यहाँ पर एनवी नूब की टीम वापस से हमें दिखती हुई हमारे स्क्रीन पर और क्या तगड़ी टीम है ये जितनी तारीफ करे उतनी कम जितनी तारीफ करे उतनी सच में कम क्योंकि नूब इज लिटरली अ ग्रेट प्लेयर फाइनली अभी हम तारीफ ही कर रहे थे तभी मैजिस्ट्री का वो मैजिकल स्प्रे एंड मैजिकल स्प्रे आज काम नहीं आया अब भी काम तो नहीं आया पर क्राइम बॉय एक अलग एंगल से जाते हुए एंड यहाँ पर काफी मुश्किलें बढ़ सकती थी बड़ी पोर के लिए बट यहाँ पर 3v4 की सिचुएशन है सो इट्स गोना बी प्रीटी टफ फॉर टीम 25 टू विन दिस फाइट बट नूब इज द वन मैन दैट यू कांट अंडर एस्टिमेट क्योंकि इन्होंने लास्ट मैच में दिखाया 1v2 1v4 ऐसा क्या नहीं दिखाया इन्होंने बाय द वे बात करें यहाँ पर काल भी पोजीशन होल्ड करे हुए एंड फाइनली इमॉर्टल इज मेकिंग सम मूव एंड फाइनली आई एंड के सिनिस्टर को वहां पर बहुत ही प्यारे तरीके से नॉक निकाला है इटर्नल जैक हैज बीन फिनिश्ड ऑफ बाय मोइनित नूब वहां पर फाइनली एमजेड के एक बंदे को लेते हुए जी नहीं यहाँ पर योद्धा भी नॉकआउट हो चुका है तो काफी बुरा लगा उनके लिए बात करें यहाँ पर नूब की तो नूब ने आई थिंक किसी प्लेयर का जो है नॉक निकाला थर्ड पार्टी होते हुए यहाँ पर नूब एंड टीम 7 का आई थिंक एक नॉक निकाला था मजिस्ट्री ने वहां पर एमजेड के क्रेजी गॉड को नॉक करा है ओएमजी दैट्स अ ग्रेट गेम प्ले बाय हिम बाद में चलता जाएंगे मजिस्ट्री के ऊपर तो टीम 25 यहां पर थोड़ी अंडर हैंड होती हुई अपर हैंड है टीम 24 के पास प्लेयर्स के मामलों में भी और उस मामले में भी तो टीम 7 आई थिंक फिनिश ऑफ हो चुकी है इसी फाइट के दौरान तो काफी बुरा लगा उनके लिए टीम 25 को जोन फेवर नहीं कर रहा है और उनके एक प्लेयर भी नॉकआउट है जो कि है योद्धा योद्धा देखते हैं जब रिवाइव होंगे तो क्या वो योद्धा जैसे लड़ पाएंगे या नहीं बात करें यहां पर टीम 19 की तो जोन के अंदर जो है बिल्कुल घुस रही है ये टीम एंड टीम 4 इनके राइट लेफ्ट में एंड वहां पर गेमर ने फाइनली क्राइम बॉय को नॉक कर दिया रॉयल वाइटी वाज बीन फिनिश्ड ऑफ बाय एफएन अमन ओपी सो दैट्स अ ग्रेट गेम प्ले बाय हिम बाय द वे यहां पर देखिए पता चल रहा है कि गेमर इज 0% बाय द वे और वहां पर टीम 25 वापस से सफर करते हुए क्राइम बॉय वहां पर नॉकआउट हो चुके हैं योद्धा फिनिश ऑफ हो चुके हैं नूब इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग अगेन नूब क्या कर पाएंगे अकेले अगर यहां पर एक और स्प्रे कनेक्ट होता तो काम फिनिश हो सका इनके पीछे जैसे टीम 6 के रकून आई डोंट नो क्या करेंगे वहां पर रकून इफ आई एम नॉट रॉन्ग रकून यहाँ काम कर सकते हैं लॉर्ड वेनम इनके सामने से जा रहे हैं बट ये क्या हुआ ये तो मजाक हो गया भाई साहब और रकून वहां पर अभी तक रुके हुए हैं टीम 25 के नूब को आई थिंक स्पॉट कर लिया पर वो एक्शन का मजा ले रहे हैं नूब हैज बीन फिनिश्ड ऑफ काल ने वहां पर जो है उनका काल बन के बिल्कुल किल निकाल लिया और फाइनली रकून इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग वहां रकून को आई थिंक आई डोंट थिंक सो ओके डैमेज नहीं पड़ रहा फाइनली उनके ऊपर हो गया रश एंड थोड़ा जोन का डैमेज पड़ता हुआ फाइनली वहां पर टीम 19 के एक पीपल मुझे नॉकआउट दिख रहे हैं मॉली आ रहा है गेमर द्वारा एंड फाइनली दैट मॉली हैज बीन कनेक्टेड एंड फाइनली ही हैज बीन फिनिश्ड ऑफ रकून का अंत यही तुरंत बाय द वे 24 टीम अभी तक यहाँ पर सर्वाइव कर रही है एंड फाइनली हील अप करते हुए 13 किल्स निकाल चुके देखते ही देखते और वहाँ पर काल की बात करें तो काल ने 6 किल निकाले अल्टीमेट एमवीपी ऑफ हिज टीम बाय द वे बात करें यहाँ पर आखिरी चार टीम है टीम 24 टीम 4 एंड टीम 19 और टीम 17 की फाइट बाहर ही हो रही है जोन के यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि सैतन ने आई डोंट नो व्हाट इज नेम मे बी आई एम स्पेलिंग इट रॉन्ग सॉरी फॉर दैट बाय द वे सेल्टन यहाँ पर नॉकआउट पड़े एंड सेल्टन इज बीइंग रिवाइव्ड बाय वॉरियर यहाँ पर स्मोक वॉल बन रहे हैं वॉरियर द्वारा बाय द वे यहाँ पर आईएनएस के मग जो है काफी ज्यादा लोन हेल्थ है बाय द वे आईएनएस की टीम बहुत ही तगड़ी है एंड आईएनएस के मग वहाँ पर जोन की थोड़ी डैमेज लेंगे जोन में भी जाना है इन्हें लेट्स सी डाशिया यहाँ पर पिकअप करेंगे फटाफट एंड टीम 17 वॉज एबल टू मेक इन द जोन टीम 4 इज मेकिंग अ थर्ड पार्टी राइट देयर एंड श्राउड वहाँ पर स्ट्रेट स्प्रे दे रहे हैं और फाइनली कमाल को नॉकआउट कर दिया गया है मग की हेल्थ बहुत लो है बट इसी के साथ सेल्टन भी जोन द्वारा नॉकआउट देगा तो किल्स अपना नहीं देंगे ये एक अच्छी बात है बाय द वे वहां पर वॉरियर इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग मग जोन में जाते जाते उड़ गए बिल्कुल एंड वॉरियर यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं वॉरियर इज द लास्ट मैन मे बी
he will be able to get in the, but he don't have meds, so he has been finished off. So zone ki maar khati hui team 17 ke immortal bahut zyada close, team 4 ke shroud ko knock and finish off kar diya instantly. That was a great gameplay by immortal, by the way. अत्रे टीम फोर अब लंगड़ी हो चुकी है, यहाँ पर नमन नॉकआउट पड़े हैं, आखिरी दो प्लेयर्स हैं अब नीत एंड कमल, एंड यहाँ पर नमन को रिवाइव कर दिया जाएगा, तो दैट्स अ गुड ऑप्शन बाय द वे. टीम 24 वहाँ पर दूसरी साइड से बिल्कुल नेल करना चाहेगी इनको, बट देखते हैं कब तक ये नेल उसका काम चलता है. और काल यहाँ पर तीसरी बार नॉकआउट होते हुए शायद, ओहो हो, और यहाँ पर कमाल का नेड एंड काल वापस से नॉकआउट होते, चौथा ये नॉकआउट है इनका, एंड आपको रिवाइव देना है तो यहाँ पर नेड आएगा और बूम. सो लेट्स सी ऊपर से आ रहे हैं बिल्कुल, आई थिंक काल ब्लीड आउट हो जाएंगे. इट्स इम्पॉसिबल, लाइक आई डोंट नो, नॉट इम्पॉसिबल, बट यहाँ पर काल हैज बीन फिनिश्ड ऑफ. फाइनली वहाँ क्रिम भी नॉकआउट हो चुके हैं, मजेस्टी स्प्रिंग ही इज शोइंग अ मैजिकल स्प्रे, बट मजेस्टी हैज बीन पिक्ड ऑफ एज वेल. बाय द वे यहाँ पर गेमर इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, गेमर इज क्लोजिंग इन, एंड वहाँ पर आ चुके हैं टीम फोर, बिल्कुल इनको घेर लिया है. And Immortal has been Immortal has picked Avneet's kill as well. Naman has been spotted, and finally Gamer is making a pretty decent move, and he has finished off his team. फाइनली 1v2 की सिचुएशन ही नहीं, 1v2 की नहीं, 1v4 की सिचुएशन है. टीम 17 इज क्लोजिंग इन, इमॉर्टल वापस वाटर, अमन ओपी की ओ ओ ओ ओ यहां पर काम तमाम करती हुई. इसी के साथ फाइनली अमन ओपी ने एंड अपनी टीम को दिला दिया ये ब्यूटीफुल चिकन डिनर. तो टोटल किल्स की बात करें तो यहां पर 8, 9, 10 किल्स निकालती हुई ये टीम R3X के इमॉर्टल स्कैमी किलर ओपियन अमन. यहाँ पर इमॉर्टल की बात करें तो आई एम इम्प्रेस्ड बाई हिज गेम प्ले, ही इज अल्टीमेट बीस्ट बाई द वे, लेट मी से इट टू यू, ही इज एन अल्टीमेट बीस्ट, एंड जितनी तारीफ कम करे उतनी कम है बाय द वे. यहाँ पर टीम टू की बात करें तो यहाँ पर काल, मजिस्टी, क्रिम्स एंड एलियन गेमर भी, इन्होंने भी बहुत ही प्यारा प्रदर्शन दिखाया. अब किल्स के तरफ जाए तो इनका किल्स देखिए 11+1 12+14 किल्स, एंड दैट वॉज प्रिटी इनसेन, दैट वॉज प्रिटी डेंजरस. सो ये बहुत ज़्यादा किल्स होते हैं बींग अ टीम. तो अगर ये कोई टफ कॉम्पिटिशन होता तो यहाँ पर अभी नए प्ले पॉइंट सिस्टम के हिसाब से टीम टू होती इस मैच की विजेता. बाय द वे बात करें टीम थ्री की, तो टीम थ्री में बहुत ही राची खेला, मैंने 4 किल्स निकाले. और बाय द वे बात करें काल ने इस बार तो रियली मेरी बात को ज़्यादा सीरियस ले लिया, और काल बन गए सब प्लेयर का, बट लास्ट में इनके काल बने R3X की टीम, लॉर्ड की टीम. यहाँ पर 1 किल्स निकाल के साथ टीम मतलब ओके फोर्थ पोजीशन पर है. यहाँ पर INS की टीम, यहाँ पर XS, INQ एंड मोनिक की ये जो कॉम्बिनेशन थी 3 किल्स के साथ एट द पोजीशन 4. एंड टीम 5 की बात करें तो अल्फा की सुख वाली टीम है, यहाँ पर टोटल 5 किल्स निकाल पाए. टीम 6 की बात करें तो यहाँ पर टोटल निकाले 5 किल्स. लॉर्ड की टीम की बात करें तो 1 किल के साथ टीम 8 ने यहाँ पर 5+1 6 किल्स निकाले. एंड टीम 0 किल्स के साथ यहाँ पर MG की टीम जाती हुई, इटर्ना की टीम यहाँ पर काफ़ी सारा खेली और 4 किल्स निकाली एट द पोजीशन 10. यहाँ पर पोजीशन 11 पे आई है हमारी जो है अपनी टीम ओमेर पीयूष की, जो कॉम्बिनेशन वाली टीम थी अंडर ओपी DMS की टीम है. इंस्टेंटली 4 किल्स के साथ डम्बो वाज द MVP ऑफ दिस टीम, एंड ही रियली प्लेड लाइक अ बीस्ट, बट दैट्स नॉट अ बीस्ट, बट बीस्ट वहां पर मजबूर हो गया, ही वाज गोइंग बैक एंड ओम को सेव करते करते वो खुद सेफ नहीं हो पाए, अनसेफ हो गए. मतलब 12 पोजीशन पे आई है ये टीम एवल की, एंड एवल की टीम ने 3 किल्स सिक्योर कर लिया सक्सेसफुली. पोजीशन 13 पे है 4FC टीम, इनसे बहुत एक्सपेक्टेशन है बट ये एक्सपेक्टेशन पे खड़े नहीं उतर रहे. कल इन्होंने बहुत प्यारा प्रदर्शन दिखाया था, आज बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन. टीम 14 की बात करें तो टीम 14 भी बहुत ही प्यारा खेली थी एंड 0 किल्स के साथ एग्जिट लेती हुई. टीम 15 ने भी यहाँ पर जो है टोटल 4 किल्स निकाले, बींग ऑन पोजिशन 15 यू गेट 4 किल्स, दैट्स ऑसम, दैट्स ग्रेट. टीम 16 2KD की टीम यहाँ पर 2 किल्स के साथ वापस अपना KD मेंटेन कर चुकी है. तो बात करें टीम 17 की, मतलब पोजीशन 17 पर टोटल 2, 3, 4, 5 किल्स, एंड दैट्स ग्रेट. आप किल्स भले निकालो, भले आप 17 पोजीशन पे रहो, तो इसको देखने में मजा आता है कि आप एक फाइटिंग टीम, आप दिखा सकते हो कि अगर हम नीचे हैं तो हम टॉप पर जा सकते हैं इफ यू गॉट किल्स राइट देयर. DMS की यहाँ पर तो, सॉरी ड्यूज की टीम यहाँ पर बात करें, मैडॉक्स पांडा एंड ओलिग्जिस, मैं इनका नाम स्पेल नहीं कर पा रहा हूँ, तो जिसको अगर पता हो कैसे स्पेल कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं. यहाँ पर इन्होंने भी बहुत ही प्यारा प्रदर्शन है. टीम 19 की बात करें 0 किल्स के साथ, टीम 20 ने यहाँ पर 0 किल्स निकाले एंड टीम 21 एज वेल गॉट 0 किल्स. बहुत मजा आया इस मैच को देखकर. तो आज की स्ट्रीम यहीं पर हम समाप्त करेंगे, फिर मिलते हैं कल इसी समय.